नमस्ते चरणारविंद हे श्री सनातन प्रभु करुणाम्बरासे हे रूप दुर्गत जनै दयावलोके हे भट्टजुगम सुमति रघुनाथ दास श्रीजीव कुरुत मंद मतीर दयाम्बरा तमादि देवम करुणानिधानम तमालवर्णम सुहृदावतारम अपार संसार समुद्र सेतु
भजामहे भागवतं स्वरूपं जन प्रभजतमनुपेतमपेतकृतं द्वैपायन विरहकातर आयुभाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदो स्तव सर्वभूतहृदय मुनिमाणतोऽस्मि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद बोले एक बार सब हाथ उठा के बोले बोले हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे बोले हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्रिला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोदर सदस्य श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धार्थ गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत पटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोदर सदस्य श्री श्रीमद भक्तिवेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी को भी यथाजुग प्रणाम करता हूँ। गतकल हम लोग श्रवण कर रहे थे सौनकादि ऋषियों ने सुत गोस्वामी को छह प्रश्न किए। छह प्रश्न में जो दूसरा प्रश्न था कलियुग में भगवत प्राप्ति का सबसे सरल उपाय किया है, श्री सुत गोस्वामी इसको उत्तर दिया बोले एतत् निर्विद्यमानानां इच्छताम् अकोतभयम् योगिनां नृपनिर्मित हरि नामानुकीर्तन। तात्पर्य है जो भगवान का जो नाम कीर्तन ही कलयुग में सबसे सरल होता है, इसलिए श्री सुत गोस्वामी ने देखा कलयुग का जीव इतने कठोर साधन कर ही नहीं सकते हैं, ऐसे साधन दो जो कि बड़ा मिट्टी साधन था जिसमें कोई परिश्रम की जरूरत नहीं किसी पैसा की भी जरूरत नहीं। इसलिए वो क्या है बोले कलयुग केवल नाम आधारा और सुमरी सुमरी नर उतर ही पाना। बोले ये हरिनाम को किसको किसको करनी चाहिए बोले एतत् निर्विद्यमान आना। अगर कोई बोले हम संसार में बग है इसका एक उतना काम करता, अगर कोई सोचे हम तो संसार में बद्ध है इसलिए ये हरिनाम करें बोले ऐसे नहीं, बोले जो संसार से जो मुक्त महापुरुष लोग भी ये हरिनाम को करते हैं। बोले कौन कौन बोले श्री शंकर जी गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं महामंत्र जय जपत महेशा काशी मुक्ति हेतु उपदेशा। इसलिए श्री भोले बाबा भी शंकर जी भी पंचमुखे राम नाम दान त्रिपुरा जी हर समय शंकर जी भगवान के नाम कीर्तन करते हैं। बोले माता देवी गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं सहस नाम सुनी प्रिय वाणी जपी जई संग प्रिय हो वाणी। एक समय माता पार्वती शंकर जी से प्रश्न करती हैं बोले प्रभु किसकी नाम जप करनी चाहिए, शंकर जी स्वयं कहते पार्वती बोले राम रामेति रमेति रम रमे मनोरमे सहस्रा नाम विस्तुल्यम श्री राम नाम बरा। बोले पार्वती
जो विष्णु सहस्र नाम को तीन बार करने से जो फल मिलेगा, एक बार प्रभु राम का नाम लेने से वही फल मिलेगा। तब से माता पार्वती, आप देखना आठ हाथों में माता पार्वती की एक माला है, इसलिए माता पार्वती ही भगवान के नाम जप करते हैं। अब ब्रह्मा जी की, ब्रह्मा जी को देखना चार हाथ है, देखना एक हाथ में एक माला है। माता सरस्वती को देखोगे चार ही हाथ है, चार ही हाथों में देखोगे एक हाथ में उनके भी माला है। श्री हनुमत लाल जी गोस्वामी जी कहते हैं, बोले सुमीरी पवन सोतपा फन नामो आपन बस करे राख रामो, सोमी पवन सोतपा फन नामो आपन बस करे राख राम। इसलिए श्री हनुमत लाल जी हर समय क्या करते हैं, प्रभु की नाम को ही जप करते हैं। कहते श्री गणेश जी गोस्वामी जी कहते हैं, कहते श्री गणेश जी भी भगवत नाम, बोले नाम प्रभाव इसलिए गण राव, इसलिए गणेश जी भी क्या करते हैं, भगवान की नाम ही जप करते हैं। इसलिए कहते हैं ना, बोले राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, कृष्ण नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, कृष्ण नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, 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 राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, नाम जपी थी यशोदा माने माला जपी जपेगा कोई दिल वाला, मिल गया मुरली वाला जपेगा कोई दिल वाला, कृष्ण नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, कृष्ण नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, आ माला जपी थी मीरा भाई ने, 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 मिल गया मुरली वाला जपेगा कोई दिल वाला, मिल गया मुरली वाला जपेगा कोई दिल वाला, कृष्ण नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, कृष्ण नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, बोले जपेगा कोई कौन दिल वाला, दिल वाले नहीं है, कौन जपेगा दिल वाले, दिल वाले मतलब क्या है, जगत में एक बहुत बड़ा रोग है, हाँ क्या रोग है जगत में, सबसे बड़ा रोग है क्या बोलेंगे लोग, ये बोले जगत में ये सबसे बड़ा रोग है, अगर गले में कंठी माला पहन लो ना, अगर भगवान की माला जपना शुरू कर दो, लोग कभी कभी शर्मिंदा में पड़ जाते हैं, माला जपेंगे लोग हमें क्या बोलेंगे, ये तो बोलेंगे नहीं, तू क्या भक्त बन गए हो, तू क्या भक्त बन गए हो, हैं भैया भक्त नहीं बनकर क्या दुष्ट बनेंगे, क्या चोर बनेंगे, बनेंगे तो भक्त ही बनेंगे ना। इसलिए बोले भगवान की जो नाम कीर्तन गले में कंठी माला तिलक को कौन जप कर सकते हैं, सब नहीं जप कर सकते हैं, बोले जपेगा कोई दिल वाले, जिनका दिल मजबूत है ना
वही व्यक्ति ही भगवत नाम को जप कर सकते हैं। इसलिए बोले एतत् निर्विद्यमानानां इच्छताम अकोत भयम् योगिनां निपनिर्मित हरि नामानुकीर्तनम्। बोले जितने ऋषि मुनि सबके सब एकत्रित होकर के एक ही सार निकाले, कलयुग में अगर कोई प्रभु को प्राप्त करना चाहते हैं एक ही उपाय है भगवान की नाम को जप करो। बोले इच्छता अकूत भय, अकूत भय मतलब अगर संसार में निर्भय में रहना चाहते हो, कोई भय नहीं निर्भय में रहना चाहते हो, क्या करो भगवान की नाम ही जप करो। एक बार सब हाथ उठा करके बोलो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे। और एक बार बोलिए जोर से, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम। बोले जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्भुतानम धर्मस्य तदात्मान सृजाम्यः। बोले श्री सुतो गोस्वामियों ने भगवान की 26 अवतार की उन्होंने वर्णना किया है। भगवान का जो सर्वप्रथम अवतार है वो चतुष्सन रूप में आए, ये ब्रह्मा की मानस पुत्र है। जब ब्रह्मा जी को अपना मन से सृष्टि की, सृष्टि करके बोले देखो बच्चों भगवान का निर्देश है, क्या निर्देश है, बोले ये संसार का क्रम को बढ़ाओ। सृष्टि का पहला यही है, यही लोग बोले पिताजी ये संसार में बड़ा दुख है, ये घर गृहस्थी बड़ा दुख है, हम ये संसार में पढ़ना नहीं चाहते हैं, हम तो चाहते हैं भगवान की भक्ति में मस्त रहे, भगवान की भजन करें। बोले भगवान का निर्देश है संसार करो, सृष्टि का पहला तुमने सृष्टि की, अब तुम इनकार कर रहे हो हम संसार नहीं करेंगे। बोले घर गृहस्थी नहीं करोगे, बोले नहीं, बोले तुम्हें अभिशाप देता हूँ, जैसे जन्म हुए ना ऐसे ही रहो। इसलिए ये चतुष्सन हर समय ये 5 साल उम्र में रहते हैं, कभी इससे बड़ी नहीं होते। बोले पिताजी अभिशाप थोड़ी है, ये तो वरदान है। बोले क्यों, बोले घर का सारे बोझ किसको ऊपर में, बच्चों को ऊपर है ना बड़ों को ऊपर में, बच्चे तो मस्ती से खेलते कूदते हैं। बोले बढ़िया हो गया, ये वरदान है ये अभिशाप नहीं। इसलिए चतुष्सन का जो जीवन है बोले कृष्ण कथा मात्र के जीवन, अगर कोई सुनने वाले मिले भगवान की कथा सुनाना शुरू कर देते हैं, अगर कोई मिले नहीं तीनों भाई आगे बैठ जाते हैं और एक भैया व्यास गद्दी पर बैठ करके भगवान की कथा ही सुनाते रहते हैं। इसलिए इनकी उम्र कभी 5 साल से ज्यादा नहीं होता है। बोले कारण क्या, बोले कारण है ये जो सूरज है ये काल है, ये काल सबका परमायु तो हरण कर लेता है लेकिन एक व्यक्ति का परमायु को काल हरण नहीं कर पाता। बोले किसके परमायु को, बोले तस्य निते जम क्षणम नीत उत्तम श्लोक वार्ता है। जो व्यक्ति हर समय प्रभु का भजन करते हैं, पूजा करते हैं, ठाकुर का नाम करते हैं ना, इसको ऊपर में काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। भगवान का जो दूसरा अवतार है भगवान श्री वराह रूप में आए। देखो बोले शाम का समय में 4 काम नहीं करनी चाहिए, कितना काम नहीं करनी चाहिए बोलो। बोले पहला नंबर है शाम का समय में कभी भी भोजन मत करो। जो व्यक्ति शाम का समय में भोजन करेगा ना उसको हर समय बीमारी दिखती रहेगा, उदर रोग रहेगा। दूसरा काम सोना कभी भी नहीं। जो व्यक्ति शाम का समय में सोएंगे वो दरिद्र बनेंगे, घर में माँ लक्ष्मी कभी उसकी घर में नहीं आएगी, लक्ष्मी उसको ऊपर में नाराज रहेगी। बोले तीसरा काम, बोले बच्चों को पढ़नी नहीं चाहिए। उस समय जो बच्चा पढ़ेगा ना, इसलिए कभी कभी बोलते हैं ना ये तो घर में पढ़ाई पढ़ाई ठीक करता है लेकिन जब पेपर देने के लिए जाता है वो भूल जाता है सब कुछ। इसलिए बोले शाम का समय में पढ़ाई करोगे पर सब कुछ भूल जाओगे। बोले चौथा काम क्या नहीं करनी चाहिए, बोले स्त्री को साथ में सहवास नहीं करनी चाहिए।
फिर घर में राक्षस जन्म लेगा। इसलिए भागवत में कथा की है श्री कश्यप ऋषि के एक पत्नी जिसका नाम थी दीप्ति। एक समय ठीक शाम का समय में उसने शीशा को सामने खड़ी होकर के बड़ी सुंदर उसने श्रृंगार की। वो राजकुमारी बड़ी सुंदर थी। जब उसने श्रृंगार की अपना श्रृंगार को देख करके इतने काम में वो मुग्ध हो गई, अपना पति से मिलने के लिए गई। कश्यप ऋषि ने कहा देखो दीदी ये समय सही समय नहीं। ठीक शाम का समय में शंकर जी अपना भूत विषाद को लेकर के भ्रमण करते हैं, इसलिए इसी समय मेरे से मिला मत करो। लेकिन उसने जोर जबरदस्ती पति से मिली। कश्यप जी ने कहा दीदी तुमने अच्छी काम नहीं की, तेरे गर्भ में राक्षस जन्म लिया, इसलिए हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप जन्म लिया। इसलिए आप लोग देखना कभी कभी कोई कोई बच्चे तो बड़े आज्ञाकारी होते हैं, सवेरे उठेंगे पिता माता की चरण छुएंगे, पिता माता की आदेश से पालना करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे उद्दंड बच्चे होते हैं जो पिता माता की बात ही नहीं सुनते। सारा दुनिया में जाओ एक ही बात कहते बच्चे बात नहीं सुनते, बच्चे बात ही नहीं सुनते हैं। इसलिए ये एक संस्कार है गर्भ संस्कार। दूसरा संस्कार है कहते गर्भ में जब बच्चा रहते हैं माताओं को उल्टा पुल्टा पिक्चर नहीं देखनी चाहिए, गंदी गंदी बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसी समय आप जैसे करोगे ना बच्चा का संस्कार ठीक वैसे बनेगा। इसलिए उसी समय गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, भागवत पढ़ो, देखना बच्चे तुम्हारी बहुत संस्कार बन करके ये बच्चे जन्म ग्रहण करेंगे। इसलिए बोले शाम का समय में उन्होंने पत्नी को साथ में पति को साथ में मिले, इसलिए हिरण्यकश्यप और हिरण्यकश्यप जन्म हुए। और जिस समय ये हिरण्यकश्यप ने ये पृथ्वी को रसातल में ले गए उसी समय भगवान श्री वराह अवतार रूप में प्रकट हुए और उन्होंने पानी में कूदे और उन्होंने ये पृथ्वी को उन्होंने उत्तोलन किए। बोले भगवान वराह देव की, बोले भगवान की जो चौथा अवतार है श्री नारद जी रूप में भगवान आए। ये जो नारद है ये जगत गुरु श्री नारद जी, अगर किसको ऊपर में इनकी थोड़ी सी कृपा हो जाए ना वासुदेव का कल्याण हो जाए। नारद जी के बगैर ये जो रामायण है ये किसकी कारण ये रामायण हुआ है? नारद जी के कारण। बोले भागवत ग्रंथ किसकी कृपा से हुई है? नारद जी के कारण है, इनके कारण है। इसलिए वाल्मीकि किसके शिष्य है? ये नारद जी के शिष्य है। कहते श्री व्यास देव किसकी शिष्य है? बोले नारद जी के शिष्य है। ध्रुव प्रह्लाद किसकी शिष्य है? ये नारद जी के शिष्य है। जिसको ऊपर में श्री नारद जी की कृपा हो गई बास उनकी बड़ा पार है। बोले जिस समय भगवान ने आदेश दिया क्या करो, ये सृष्टि का क्रम बढ़ाओ, उन्होंने कश्यप ऋषि को आदेश दिए ब्रह्मा के पुत्र रूप में जन्म हुए। और ये कश्यप से दक्ष प्रजापति इन्होंने सर्वप्रथम 1000 उन्होंने संतान को उन्होंने जन्म दिया। पहले जन्म था मानस जन्म, मन से सृष्टि करते थे बच्चों को। बोले जाओ पहले नियम था गुरुकुल में 25 साल तक पढ़ाई लिखाई। बोले जाओ गुरुकुल में पढ़ करके आओ। बोले गुरु जी कौन? बोले श्री नारद जी। नारद जी बढ़िया उन्होंने बढ़िया लिखाया। जब घर में वापस जा रहे थे नारद जी ने बोला देखो तुम ये संसार करने जा रहे हो, पहले ये संसार को समझो, उसको बाद में फिर घर गृहस्थी करो, नहीं तो ये संसार में फंस जाओगे। तो उन्होंने उनको कुछ प्रश्न किया है, अब ध्यान देकर सुनो उन्होंने क्या प्रश्न किया है। इनका पहला प्रश्न है बोले बताओ तो बच्चों ऐसे कौन सा बिल है जो बिल में एक बार घुस जाओ ना और कभी वहां से निकल नहीं पाओगे, बताओ तो ऐसे कौन सा बिल? बोले गुरु जी जिसे बिल में घुस जाओ तो निकल ही आओगे। बोले यही तो सब बता रहा हूं, ऐसे कौन सा बिल है जिसमें घुस जाओ तो निकलने का कोई रास्ता नहीं? बोले गुरु जी हम बता ही नहीं सकते। बोले ये घर गृहस्थी कौन है? घर गृहस्थी। पहले सोचते हैं भैया पहले लिखा पढ़ा सीख लो सारे काम खत्म हो जाएगी, तभी खत्म नहीं हुआ। उसको बाद में बोले नौकरी करो तब भी खत्म नहीं हुआ।
बोले शादी कर लो तभी खत्म नहीं हुआ। फिर सोचते हैं अगर बच्चों को जन्म दे देंगे फिर छुट्टी मिल जाएगी। बच्चों को जन्म दे दिया, बोले फिर उनको लिखाई पढ़ाई सिखा, फिर लिखाई पढ़ा सिखाया, बोले बच्चों को अगर किसी तरह से नौकरी चाकरी दिला दो ना फिर चैन मिलेगी। नौकरी चाकरी दिला दिया, फिर सोचते हैं बच्चों को अगर शादी दे दो ना बस सारे काम खत्म हो जाएंगे। बच्चों को शादी देने से पहले देखना थोड़ी सी चैन में थे, लेकिन जब से घर में शादी दे दिया ना घर में बहू आ गई बस हो गया सारे काम हो गया। जब सबके घर में बहू है, जब अपना बेटा का शादी नहीं होना क्या सोचते हैं, बोले सबके घर में बहू हाँ नुपुर पहन करके छम छम चले घूमती हैं, लेकिन हमारे घर में बहू नहीं, हमारे घर में बहू आ जाए। जब बेटा का शादी हो जाए ना बोले हाय रे कैसे बहू आ गई। उसके बाद में सोचते हैं जो बहू आ गई सब काम खत्म है। बहू आने से पहले थोड़ी सत्संग में चले जाते, जब घर में बहू आकर फिर नाती पोती हो गई ना, अगर नाती पोती को अगर रख करके कहीं कथा में जाओ पर डोकरी की कोई काम धंधा नहीं, दिन भर घूमती रहती है। आप देखना ये संसार ऐसे एक बील है जिसमें एक बार घुस जाओ ना मरने से पहले तक भी चैन नहीं मिलेगी, जिससे निकलना बड़ा कठिन है। ये घर गृहस्थी उनका दूसरा प्रश्न है, बोले बताओ तो ऐसे कौन सा हंस है जो विचित्र बात करता है। बोले गुरुजी हंस थोड़ी बोलता है, बोले यही तो प्रश्न है, ऐसे कौन सा हंस है जो विचित्र विचित्र बात करता है। बोले ये गीता रामायण भागवत है, विचित्र विचित्र बात करता है। बोले क्या विचित्र बात करता है, कहते भैया तुम इसी जगत में नहीं हो, तुम तो रहने वाले ठाकुर जी के चरण में, भगवान का धाम ही अपना असली घर है, लेकिन भगवान को भूलने का वजह से तुमने ये संसार में आए हो, इसलिए अपना घर में लौट चलो, अपना घर में लौट चलो। जब तक अपना घर में नहीं लौटोगे तब तक यहाँ शांति नहीं मिलेगी। अब देखना कहीं विदेश घूमने के लिए जाओ, बढ़िया से बढ़िया वहाँ व्यवस्था है, लेकिन अपना एक छोटी मोटी कोई घर है, जब तक तुम अपना घर में नहीं आ जाओगे ना तब तक तुम्हें चैन नहीं मिलेगी। अपना घर में आ जाओ, क्या बोलते भैया अपना घर में आ जाओ, भले ही छोटी मोटी क्यों घर नहीं हो। उसी तरह ये संसार अपना घर नहीं है, अपना घर तो ठाकुर जी के चरण में अपना घर है। हम भगवान को भूलने का वजह से उनकी बहिरंगा माया उन्होंने ये संसार रूपी कारागार में हमें डाल दिए, और यहाँ पर कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई बीवी से दुखी, कोई बेटा से दुखी, कोई बेटे से दुखी, कोई पति से दुखी, कोई सास से दुखी, कोई ननंद से दुखी, कोई पड़ोसी से दुखी, कोई काम से दुखी दुखी। इसलिए कहते अगर परम शांति पाना चाहते हो ना चलो ठाकुर के घर में चलो, अपना घर में वापस चलो। इसलिए ये विचित्र बात करता है शास्त्र है। इनका जो तीसरा प्रश्न है, बोले ये बताओ परम पिता की हमारे प्रति आदेश किया है, भगवान की हमारे प्रति आदेश किया है। बोले केवल एक ही आदेश है, स्मर्तव्य सततम विष्णु बी स्मर्तव्य न जातु चिता। केवल एक ही कर्तव्य है, हर समय भगवान की स्मरण करो, हर समय ठाकुर जी की स्मरण करो। बोले आदेश क्या नहीं है, कभी उनको भूलो मत, कभी उनको भूलना नहीं, और आदेश है हर समय उनकी स्मरण करो। एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे जोर करके बोलो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे। यदि भगवान की ये तीसरा अवतार श्री नारद जी, जिनका नारद जी का संग हो गया ना बस उसको बेड़ा पार हो गया। बोले भगवान की जो चौथा बता रहे हैं, बोले श्री नर नारायण ऋषि है, ये बद्री का आश्रम पर नर नारायण ऋषि रूप में
ठाकुर जी वहां तपस्या कर रहे हैं। बोले भैया तपस्या तो जीव करेगा, ये भगवान घर क्यों तपस्या कर रहे हैं? बोले कारण है, एक समय नारद जी इसी मर्त्य जगत में आए, घर घर में गए, पूछे सब ठीक ठाक है, ऊपर से तब सर हिलाए, लेकिन जब अंदर की बात उन्होंने पूछा, देखा कोई भी संसार में सुख शांति नहीं, संसार में कोई चैन से नहीं, सब बेचैन में, सब टेंशन में, जगत में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसका टेंशन है ही नहीं। जब उन्होंने वैकुंठ में गए, देखा ठाकुर जी अनंतनाग पर शयन की होगी, माँ लक्ष्मी चरण की सेवा कर रही थी और ठाकुर जी मुस्कुरा रहे थे। नारद जी ने कहा प्रभु ये दुनिया को आप ही सृष्टि की अगले? हाँ। बोले आप तो जगत को सृष्टि करके छोड़ दिया और जगत का लोग दुखी दुखी और आप वैकुंठ में आनंद में हो। बोले क्या तुम बताना क्या चाहते हो? बोले प्रभु जी जब तक ये जीव तुम्हारी भक्ति नहीं करेगा तब तक जीव कभी सुखी नहीं रह सकता है। लेकिन ये सीखेगा कहाँ से? कहते जो श्रेष्ठ व्यक्ति जो काम करते हैं, पिता माता जो काम करते हैं, बच्चे उसको देख करके सीखते हैं। आप तो जगत का पिता माता हो, अगर आप थोड़ी सी तपस्या करोगे ना, हर जीव आपको देख करके ये सीखेगा। बोले क्या करनी चाहिए? बोले प्रभु जी आप थोड़ा तपस्या करो जाओ। इतने में नारायण सोचे ठीक है हम तपस्या करने के लिए चलते हैं। बोले कोई बढ़िया जगह होनी चाहिए, तब उन्होंने भ्रमण करते करते पहुंचे बद्री का आश्रम पर। बड़ा सुंदर जंगल, बड़ा सुंदर मनोरम स्थान। कौन कौन बद्री का आश्रम गए? बद्रीनाथ कौन कौन गए हो? हाथ उठाओ तो कौन कौन बद्रीनाथ गए हो? हे भगवान एक दो और कौन गए? आप बताओ कौन कौन जाना चाहते हो बताओ तो आप सबको ले जाएंगे, सबको हम ले जाएंगे। ठीक है अगली बार आप सबको देखो, वहां के लिए थोड़ी तो पैसा चाहिए ना, अब से थोड़ी थोड़ी पैसा संग्रह करो, थोड़ी 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 पैसा उसके लिए रखो, आपको सबके सब हम बद्रीनाथ ले जाएंगे। बद्रीनाथ की ये महिमा है, भगवान स्वयं वहां पर तपस्या कर रहे हैं। भगवान ने देखा कलियुग का जीव इतने तपस्या नहीं कर सकते, अगर कोई कष्ट करके एक बार बद्रीनाथ आ जाए, अरे मेरा दर्शन कर ले, मेरे दर्शन मात्र से ही मैं जो तपस्या कर रहा हूँ, ये तपस्या का जो छठवा भाग फल अपने आप उसको प्राप्त हो जाएगा। इसलिए बद्रीनाथ दर्शन करने का बड़ा महत्व है। इसलिए ठाकुर जी वहां पर तपस्या ठाकुर जी कर रहे हैं। बोले श्री बद्री विशाल की जय। भगवान की ऐसे मत्स्य कुर्म बराह नृसिंह बामन परशुराम बलराम बुद्ध कल्कि ऐसे करके भगवान की चबीस अवतार। जब उन्होंने अवतार का नाम गिना रहे थे, उन्होंने बोल दिया भैया कृष्ण भी एक अवतार है। फिर सुत गोस्वामी डर गए। बोले क्यों? बोले कृष्ण अवतार नहीं, कृष्ण अवतारी। अवतारी का मतलब है जिनसे सारे अवतार आते हैं। फिर उन्होंने भगवान कृष्ण के लिए एक श्लोक बुलाए। बोले इतचांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुल लोकम मृढ़यंती युगे युगे। बोले हे सौनकाद ऋषियों, जब जब इसी जगत में जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति, जब तक जगत में धर्म की हानि होने लग जाए और साधु संत गोपर में स्त्री पृथ्वी गो माता गोपर में अत्याचार होने लगता है, तब तक मैं इस जगत में अवतीर्ण होकर के दुष्टों को विनाश करता हूँ और संतों को धर्म को में पालन करता हूँ। इसलिए ये कृष्ण ही पूर्ण ब्रह्म है। जब हम भगवान कृष्ण को भक्ति कर ले, ये 33 करोड़ देवता अपने आप खुश हो जाती, क्योंकि जगत में 33 करोड़ देवता कितने को खुश करके बताओ? एक देवता को मनाओ तो दूसरा नाराज होकर बैठ जाएगा, तीसरे को मनाओ चौथा नाराज हो जाएगा, और कितने देवता है? बोले 33 करोड़। दिन में अगर 1 करोड़ देवता को पूजा करोगे ना, 30 दिन में 30 करोड़, फिर 3 करोड़ बाकी रह गया। लेकिन ये कृष्ण ऐसे के देवता है जो कृष्ण की भक्ति करने से कितना, जा पर कृपा हरि की हुई ता पर कृपा करे सब कोई, जिसको ऊपर में बाकी भी हरि संतुष्ट हो जाए उसको ऊपर में सब के सब खुश हो जाते हैं।
इसलिए भगवान कृष्ण ने उनको विराट रूप दिखाया। बोले अर्जुन देख मैं कौन हूं, भगवान विराट रूप दिखाया। बोले जिसको तू एक चीज को समझो अच्छे तरह से, जिसको तुम शंकर कह रहे हो देखो शंकर मेरे में, जिसको तुम माता जी कह रहे हो देखो माता जी मेरे में, जिसको तुम हनुमान कहते देखो हनुमान मेरे में, जिसको तुम गणेश कहते देखो वो गणेश मेरे में, जिसको तुम कहते हो इंद्र चंद्र देखो वो सबके सब मेरे में। भगवान विराट रूप में सब चीज दिखाया। जब हम भगवान कृष्ण को प्रणाम कर लेते हैं, ये 33 करोड़ देवता का प्रणाम अपनी आप हो जाता है, अपनी आप हो जाता है। इसलिए भले ही देखना जिंदगी भर इसको पूजा करो उसको पूजा करो इसको पूजा करो, लेकिन जब शरीर छूटेगा, जब चार व्यक्ति कंधे पर ले जाएंगे, क्या बोलते बोलते ले जाते हैं? राम नाम सत्य है। बोले कि राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, और सत्य बोले गत्य है, सब कोई बात झूठा है। बोले जितने तुमने गोपाल कृष्ण का नाम लिया ना, हम तेरे साथ में वही जा रहा है। इसके सिवाय तुमने जो पूजा सेवा इधर क्या सब झूठे में बिताया, सब तुमने झूठे में बिताया है। भैया बड़े झूठे में जिंदगी भर झूठे में क्यों बिताओ, सच में तो बिताओ। इसलिए भगवान कृष्ण बोले विश्व ब्रह्मांड मेरे अंदर में। जब भगवान को भक्ति करते हैं सभी का अपनी आप भक्ति हो जाती है, लेकिन इस सबका सम्मान करो, इसको असम्मान नहीं करनी चाहिए। सबको प्रणाम करते हुए सबसे भगवान की भक्ति मांगो। लेकिन जो अपना दीन में ना, जैसे मीरा कहती है ना, मेरे तो गिरिधर गोपाला दूसरा ना तो। इसलिए अपना दिल में ना केवल कन्हैया भी बात लो, केवल वाक्य बिहारी को स्थान दो, और किसी को स्थान मत दो, किसी को स्थान नहीं देनी चाहिए। गोपियां क्या कहती हैं, जब उद्धव जी ब्रज में आए और गोपियों को ध्यान की बात बताए, ये गोपियां क्या कहती हैं? बोले उद्धव मन ना भयो दस बीस, एक मन सो गए श्याम संगे को आराध्य ईस। तू ध्यान की बात कर रहे हो ना? बोले हाँ। बोले ध्यान तो मन से होता है, लेकिन मन दस में से थोड़ी है, मन तो एक ही है। वो मन तो कन्हैया को साथ नहीं गया, ये कन्हैया को साथ नहीं ये मन गया, ध्यान हम किससे करेंगे? इसलिए शब्द सम्मान दो, लेकिन अपना हृदय में बस। तो बोले बाक्य बिहारी को बैठा और राधा रानी को हृदय में बैठा। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। एक एक भजन सुन लो। मन बस गयो नंदी की सो, अभी जाना बसालो बसालो अभी महाराज जी कह रहे थे बद्रीनाथ हरिद्वार 400-450 रुपए देंगे, लेकिन वृंदावन हमारे पास आइए। जो भी अपने इस मन को वृंदावन बसाना चाहते हैं, जिनको नाचना आता है वो नाच करके ठाकुर को रिजाएंगे, जिनको नाचना नहीं आता वो बैठे बैठे गाली सेवा करेंगे। मन बस गयो नंदी की सो, अभी जाना नहीं कहीं और, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, ना ना रे बसा लो वृंदावन में, बसा लो भगवान तो क्या आपका पड़ोसी भी नहीं है, आपके बुलाने से सो जाएंगे।
ठाकुर जी को जाना तो भैया कुछ मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। मैंने कहा था जिनको भाव होगा वो तो नृत्य करेंगे, इनके अंदर भी भाव नहीं तो नहीं नाच रही, भाव होगा तो नाचेगी। पैर में पैर डूब रहा है, एक बार टांग को सीधा कर लो, सबसे सबसे खड़े हो जाओ।
कुछ तो देख रहे हैं, कुछ देख रहे सब जो खड़े हो जाओ सबने कहा जय हो। भाई शादी हो ना, पी पी करके लोग मेन रोड में नाचते हैं, अरे भगवान कीर्तन में ना, कोई नाच नहीं रहे। जब देखो ये भागवत में एक श्लोक आया है, बोले द्रुम जन्म भाग्योग, भागवत का दूसरा स्कंद का श्लोक है। कहती जो पेड़ है ना, ये पेड़ क्यों हुए? कहती ये पेड़ क्यों हुए? बोले भगवान इन्हें तो मानव शरीर दिया, लेकिन ये जीवन पा करके भगवान के कीर्तन में नाचे नहीं। बोले मेरे कीर्तन में नाचे नहीं ना, जब पेड़ होकर एक जगह खड़े हो जाओ। अगर पेड़ नहीं बनना चाहते हो नाचो, अगर पेड़ बनना चाहते हो नाचना नहीं। बसालो वृंदावन बसालो वृंदावन बसालो बसालो पीछे लोग है ना, थोड़ी थोड़ी आगे आ जाओ, थोड़ी थोड़ी और थोड़ा जाओ, और थोड़ा आ जाओ, और थोड़ा आ जाओ। कोई खिसक नहीं रहे, लगता है बर्फ जैसे जम गए सब लोग। एक बार हाथ उठा कर बोलो, बोले हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे बोले हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे। बोले द्वापरे समनु प्राप्ते तृतीये युग पर जाए व्यास पराशर गे सभ्याम कलया हरे। स्वर्णकादि ऋषि उन्हें प्रश्न करते हैं, बोले हे श्री सुतो गोस्वामी, आप कृपा करके ये बताओ
जैसे यहाँ भागवत कथा हो रही है, अगर किसी व्यक्ति को निमंत्रण दो ना, इसका छोटी मोटी कोई दुकान हो, नहीं तो कोई बिजनेस हो, बोले भैया मेरे पास में कोई समय नहीं कथा सुनने का। लेकिन उसी समय परीक्षित महाराज कोई छोटे मोटे ज्यादा नहीं, चक्रवर्ती, चक्रवर्ती मतलब ये संपूर्ण ये पृथ्वी को ऊपर ही राजत्व तो कर रहे थे। इन्होंने क्यों सारे काम को छोड़ करके इन्होंने कथा क्यों सुनी? और श्री सुखदेव गोस्वामी वो भी कोई साधारण ऋषि नहीं थे, वो एक जगह पर उतना समय तक टिकते थे, एक एक गो दोहन करने में जितने समय लगे, लेकिन उन्होंने जो 16 साल तक मुंह नहीं खोले थे, लेकिन जब उन्होंने मुंह खोला ना, 7 दिन तक मुंह ही बंद नहीं खोला। पर ये व्यास देवजी ने ये सारे ग्रंथ क्यों प्रणयन किए, मैंने जो पूछा और नहीं पूछा, आप कृपा करके ये सारे प्रश्न का उत्तर दो। तब श्री सुतो गोस्वामी कहते हैं जब ये द्वापर युग का अंतिम है, उसी समय श्री व्यास देवजी ने देखा ये घोर कलियुग आने वाले हैं। और ये कलियुग में पहले ये ग्रंथ नहीं होता था, इसलिए ये विद्या जो थी गुरु जी की गुरुकुल में पढ़ने जाते थे, गुरुदेव रटाते 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 वेद पुराण उपनिषद गीता भागवत सब रटते थे। इतने स्मरण शक्ति होता था पहले, बड़ा दिव्य शक्ति, क्यों हर चीज प्योर मिलता था, कोई उसमें बनावटी नहीं थी। पहले ब्रह्मचर्य पालन करते थे, शास्त्र ने बताया जो व्यक्ति 25 साल तक अपना ब्रह्मचर्य पालन करे, ब्रह्मचर्य को कभी नष्ट नहीं करना, वो इतने स्मृति धर बनेगा, जो एक बार सुनेगा उसको स्मरण कर लेगा। लेकिन अभी स्मार्टफोन इंटरनेट टीवी टीवी आ करके ना सबको बिगाड़ रहा है, सबके लिए बिगाड़ रहा है। इसलिए पहले बड़े बुद्धिमान होते थे, लेकिन उन्होंने देखा ये कलयुग में सब गड़बड़ी होने वाले हैं, इसलिए उन्होंने एक वेद था उनको उन्होंने 4 वेद रूप में प्रकाशित किया, फिर उन्होंने उपनिषदों को बनाया, फिर ब्रह्म सूत्र को बनाया, फिर उन्होंने 17 पुराण बनाया। देखा स्त्री सूत्रों को ये वेद में अधिकार नहीं, पंचम वेद उन्होंने महाभारत भी बनाया, लेकिन इसको बनाने का बावजूद भी मन में शांति नहीं। एक दिन श्री नारद जी कीर्तन करते 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 श्री नारद जी आए, बोले व्यास लगता है तू हमारे मन में शांति नहीं। बोले आप तो गुरु हो, गुरु मतलब क्या है? बोले गुरु मतलब अंधकार और रू मतलब होता है आलोक। जो शिष्य के हृदय में हृदय से अज्ञान रूपी अंधकार को हटा करके दिव्य आलोक को जो प्रकाश कर देगी, गुरु का काम है। बोले आप तो गुरु हो, आप तो सब कुछ जानते हो, मैंने जीव कल्याण के लिए इतने ग्रंथ तो हमने रचना की, लेकिन मेरे को पता नहीं चल रहा है मेरे को शांति क्यों नहीं मिल रहा है, गुरु जी आप ही बताओ। तब श्री नारद जी कहते हैं बोले जथा धर्म दयाश्चार्था मुनिवर्यानो कीर्तितो न तथा वासुदेवस्य महिमा जनवर्णित। बोले देखो तुमने दूसरे दूसरे धर्मों को जितने बढ़ा चढ़ा कर बताए, ये संसार घर गृहस्थी है, धर्म अर्थ काम, कैसे पुण्य अर्जन करो, कैसे स्वर्ग में जाओ, कैसे भोग करो, ये जो दुनियादारी की बात तुमने जितने बढ़ा चढ़ा करके बताया, लेकिन तुमने दिल खोल करके भगवान की भक्ति को बार में नहीं बताया। क्योंकि जो जीव है वो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीव वो ईश्वर का ही अंश है, इसलिए जीव का जो परम कर्तव्य ईश्वर की भक्ति करना है। लेकिन तुमने ये बात को तुमने स्पष्ट रूप में नहीं बताया, तुमने इसलिए तुमको शांति नहीं मिल रही है। तब श्री नारद जी बोले बोले तुमने ये बताया कृष्ण कैसे परात पर परम ब्रह्म हो करके कैसे घर घर में मक्खन चोरी करते थे, तुमने कथा सुनाई? बोले नहीं। बोले कृष्ण कैसे भगवान होते हुए भी मैया जसोदा कैसे कृष्ण को उखल में बांध दी, कथा सुनाई? बोले नहीं। बोले कृष्ण भगवान होते हुए भी कृष्ण जब सखाओं को साथ में गैया चराने जाते हैं ना, किसी सखा को कोई मीठा फल मिल जाए पहले खा लेगा। बोले कन्हैया ये फल बड़ा मीठा है। कन्हैया बोले गए सारे तो अकेले खाओगे, मेरे को नहीं दोगे? वो छीन करके उनका झूठन को खाते हैं। बोले वाह बड़ा मीठो फल है, तू अकेले अकेले खा रहा था, तुमने ये बात बताई?
भगवान होते हुए भी भक्तों का प्रेम में कैसे वशीभूत होकर के झूठा न खाते थे कभी बताए। अगर कभी कृष्ण सखाओं को साथ में खेलते खेलते अगर कभी कृष्ण हार गए, सखा बोलते कन्या तू घोड़ा बन। अगर कभी कृष्ण कहते मैं घोड़ा नहीं बनूंगा, बोले घोड़ा नहीं बनोगे, बोले नहीं, बोले सखाओं ये कन्या को अकेले कर दो, इससे कोई बात नहीं करना। कृष्ण कहते नहीं नहीं ऐसे मत किया करो, मैं घोड़ा बन जाऊंगा, बोले बस घोड़ा बन। उसको भांडेर भट्ट से माठ बन से उसको भांडेर भट्ट तक कृष्ण घोड़े बन करके सखाओं को कंधे पर ले जाते। कभी ये तुमने बात बताई, बोले नहीं, बोले तुमने ये बात बताई कृष्ण कहाँ परात पर परम परम भगवान है, लेकिन ये गोपियों का प्रेम भी इतने वशीभूत है। अगर कभी राधा रानी महान कर लेना, श्याम सुंदर उनको मनाने के लिए अपना मयूर मुकुट उतार कर रख देते हैं, अपना बंसुरी राधा जी के चरण में रख लेते, बोले राधे तुमने क्यों इतने मान की, वो मान को छोड़ दो, तुमने सब बात को बताई, बोले नहीं, बोले शांति कैसे मिलेगी। बोला अगर मन में शांति पाना चाहते हो ना, भगवान की मीठी मीठी प्यारी प्यारी कथाओं को वर्णना करो। भगवान हो करके कैसे भक्तों का प्रेम में वशीभूत हो गए, ये चीज को वर्णना करो, तब तुमको शांति मिलेगी, नहीं तो शांति नहीं मिलेगी। इसलिए नारद जी अरे अपना चरित्र को सुनाए, बोले सुना आज मैं इतना बड़ा संत बना तो इतना बड़ा संत मैंने कैसे बना, इसलिए मेरी कथा सुन। बोले मेरी जो जन्म है किसी गरीब घर में मेरी जन्म हुई है। एक दिन क्या हुआ, गांव में इसी चातुर्मास्य में कुछ संत लोग उसी गांव में आए। गांव में आए तो उनके लिए तो खाना बनना शुरू हो गया। मेरी मैया ने देखा, मैं तो गरीब घर में जन्म हुआ था, मेरी मैया ने देखा अगर ये संतों की मैं सेवा करूँ ना मुझे भी भोजन मिल जाएगा, मेरे बच्चे को भी भोजन मिल जाएगा। इसलिए मेरी मैया ने जाकर के उनने संतों की सेवा की। अभी मैया जो करेगा तो बच्चा तो करेगा ना। हाँ देखो पहला गुरु हमारे कौन है, बोलो तो पहला गुरु कौन है, माँ है। सबसे पहले संस्कार ये माँ से ही संस्कार बनती है। अगर माँ अगर बच्चों को अच्छे संस्कार देना वो बच्चा बड़ा होनार होगा। अगर स्वयं माँ अगर बिगड़ी हुई हो बच्चा कभी अच्छा नहीं बन सकता है। इसलिए बच्चा को हर समय उसको अच्छे संस्कार दो, उसको अच्छे संस्कार दो। क्या संस्कार दो, पहले उठ करके पिता माता की चरण छोड़ क्या करें। लेकिन अगर माँ तुम्हारी अगर अपना सास ससुर भी छूती है तब तो बच्चा छुएगा ना। अगर माँ ही अगर नहीं छूती है सवेरे उठ करके अपना पिता माता की सास ससुर की अगर खुद नहीं छूती है, अगर माँ बोलेगी बच्चे को तुम उठ करके मेरे चरण छुए, बच्चा छुएगा तुम्हारा, छुएगा बोलो। इसलिए सवेरे उठ कर क्या करो, सबसे पहले अपना सास ससुर को और पिता माता की पहले सबसे चरण छुओ। और सवेरे क्या करो भैया, देखो तुम चुपचाप बैठो, हाँ सब तुम्हें देख रहे हैं, कोई कथा नहीं सुनो, हाँ चुप बैठो, हरे नाम करो, कोने में बैठ जाए, हरे कृष्ण। इसलिए सबसे पहले माता जी की संस्कार बच्चे के ऊपर पड़ती है। अगर माँ अगर भजन करती है, माला करती है, तभी तो बच्चे को बोले कि बेटा एक माला तू जप कर। अगर माँ अगर स्वयं भजन नहीं करती, भक्ति भक्ति से कोई मतलब नहीं है, तो बच्चा कभी भजन करेगा, कभी कर नहीं सकता है। इसलिए ये सुमित्रा ये बात को कह रही है, जिस समय राम और सीता वनवास, ध्यान देकर सुना, जिस समय राम सीता वनवास जा रहे थे इतने में लक्ष्मण ने अपना माँ को पास सुनाया। लक्ष्मण का माँ का नाम क्या था बताओ, क्या नाम था, सुमित्रा। वो अपना माँ को पास, जितने माताएं कान खोल कर सुनो, इसलिए उसने अपना माता को पास में आई, बोले मैया मेरे को आदेश दे दे, भाभी भैया वनवास जा रहे हैं, मैं भाभी भैया की राम सीता की सेवा में जाऊं। इतना सुन करके सुमित्रा की तो रोम रोम खिली उठी, प्रेम में गदगद हो गई। देखो सुमित्रा क्या कहती है, बोले पुत्रवती जुबती जगस्वई रघुपति भक्ति जासु सुतो हो। कहते बेटा लक्ष्मण तेरे जैसे बेटे को मैंने जन्म दे करके आज गर्भ अनुभूति कर रहे। बोले क्यों, बोले उसी माँ को पुत्रवती पुत्र जन्म देना उसी माँ की सार्थकता है, इसकी रघुपति भक्ति जासु सुतो हो। जिसका बेटा श्री राम का भक्त बना
उसी माँ को एक पुत्र जन्म देना सार्थकता है। दूसरी लाइन में कहती है, अगर बच्चे को तुमने भगवान की भजन में नहीं लगा पाए, कहते माँ को बांझ रहना सही, कहते बच्चे जन्म मत दो, मना कर देती, बांझ रहो। बोले क्यों? बोले बेटा अगर भक्ति करेगा तो तुम्हारी 21 पीढ़ी उधार होगी। कितना पीढ़ी उधार होगी? 21 पीढ़ी उधार होगी। अगर बच्चे तुम्हारी गलत रास्ता पर गए, शराब पिया, सिगरेट फूंका, जुआ खेला, गंदे काम किया ना, उसको पाप भी ये पिता माता को भोगना पड़ेगा, उसको पाप भी पिता माता को भोगना पड़ जाएगी उसकी। इसलिए पुराण में कथा आती है, एक समय कोई एक जोगी स्वर्ग में पहुंचा। एक व्यक्ति बहुत पुण्य कर्म करके वहां पर रत्न सिंहासन में बैठा हुआ, वहां पर उनकी अप्सरिया सामर भजन कर रही थी, लेकिन स्वर्ग में बैठे बैठे करके रो रहा था। जोगी ने कहा, भैया तुमने इतने पुण्य कर्म करके स्वर्ग में आए हो, तो ये स्वर्ग में रो रहे हैं क्यों? बोले मेरे से भी गलती हो गई। बोले क्या गलती हो गई? बोले बच्चों को सद्मार्ग नहीं दिखाया, मैंने जो पैसा छोड़ करके आया था, अभी बच्चे उसी पैसा से शराब पी रहे हैं, उससे जुआ खेल रहे हैं, मांस मछली खा रहे हैं, क्योंकि मैंने पैसा छोड़ करके आया था, मेरे पैसा को गलत काम पर लगा रहे हैं, उसका पाप मेरे को स्वर्ग में भी नहीं छोड़ता। अगर हमने बच्चे जन्म दिया, बताओ कुंती के कितने बेटे थे? 5 बेटे थे, ये सब के सब कृष्ण भक्त हैं। अब बताओ गांधारी के कितने बेटे थे? कितने बेटे थे? लेकिन एक भी कृष्ण भक्त नहीं, एक भी, और सब मरकर खत्म, सब मरकर खत्म हो गए। लेकिन कुंती की 5 के 5 बेटे थे, वो सब के सब कृष्ण भक्त है। इसलिए भागवत में कुंती स्तुति आती है, कुंती ने भगवान को स्तुति की, स्तुति आती है, इनके नाम जगत में अमर हो गया है। इसलिए बेटे तभी जन्म दो जब बेटे को भजन में लगा पाओगे, नहीं तो सुमित्रा कहती है बंध्या रहो, बांझ रहो, बेटे बेटे जन्म मत दिया करो। क्यों जन्म लोगे? 9 महीना तक गर्भ में धारण करोगे, प्रसव पीड़ा सहोगे, मुंह की खाना निकाल कर खिलाओगे, गीली में सो करके सूखा में सुलाओगी, रात भर नींद नहीं आएगी, बच्चा रहेगा, इतने कष्ट करके फिर नरक जाओ, इतने कष्ट करोगे बच्चे को फिर नरक जाओ, फिर क्यों बच्चे जन्म दोगे? इसलिए सुमित्रा मना कर देती, बच्चा जन्म मत दो, तब भी बच्चे जन्म दो जब भजन में लगाओगे, नहीं तो बच्चे को जन्म ही मत दिया करो। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। इसलिए यहाँ पर श्री कहते श्री व्यास देव जी ने ये सारे ग्रंथों को रचना की है। इसलिए सारे ग्रंथ को रचना करते हुए बड़े सुंदर उन्होंने तो ग्रंथ को रचना की है, लेकिन ये ग्रंथों को पढ़ाएगा किसको? ये ग्रंथ पढ़ाएगा किसको? क्योंकि जन्म से श्री व्यास देव वो ब्रह्म ज्ञानी बन करके चले गए थे, उनकी व्यास देव के 4 ही चले थे। बोले चले हो, मेरा एक तोता था, ये तोता कहीं उड़ते हुए चला गया। बोले मेरे तोते को ला सकते हो? बोले गुरु जी जंगल में बहुत सारी तोते हैं, हमें क्या पता आपका तोता कैसे। बोले मेरे तोते को पकड़ने का जरूरत नहीं, मैं तुमको चारों को 4 मंत्र सिखा देता हूँ, ये मंत्र सुन करके अपने आप जो पकड़ में आ जाए समझना ये मेरी तोता है। तो उन्होंने पहला चेले को पहला मंत्र सिखाया। बोले वो पहला मंत्र क्या है? बोले कृष्ण कितने सुंदर है, और राधा रानी ने जो कृष्ण की सुंदरता को वर्णना की, बोले बरहा पीड़म नट बर बभो कर्णयो कर्णिकारम विप्रत पास कनक कपिशयम वैजयंती चमाला रंध्राण भेनुरधर सुधया पुरयान गोप वृंदई वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशस्तद गीत कीर्ति। मतलब है कृष्ण कितने सुंदर हैं, कहते बराहा पीड़म जिनके सर में मोर पंख है। बोले भगवान मोर पंख क्यों लगाते हैं? कारण बताए, उसमें राधा रानी के नाम लिखा हुआ है, राधा रानी की नाम लिखा हुआ है, और ये मोर ब्रह्मचारी है, इसलिए भगवान ब्रह्मचारियों को बड़े प्रेम करते हैं, इसलिए सर में उन्होंने मोर पंख लगाए। बोले बराहा पीड़म नटवर बभुः, बोले भगवान के स्वरूप कैसे हैं,
बोले नटवर, नटवर मतलब नट श्री शंकर जी, नटराज शंकर जी। बोले नटवर मतलब नट का जो शंकर जी का जो बने, बोले शंकर जी का जो पति कौन श्री बांके जी आ गए। आप बोलोगे भैया शंकर जी की पति कैसे हुए, हम आगे सुनेंगे। जब कृष्ण रास करेंगे शंकर जी गोपी बन करके प्रभु का रास दर्शन के लिए आएंगे। गोपियों का पति कौन है, बांके बिहारी। इसलिए नटवर, नटवर मतलब होता है बड़ी सबसे जो सुंदर नृत्य करते हैं। बोले कर्णयो कर्णिकारम, बोले दो कान में प्रभु एक कनियरी धारण करते हैं और गले में जो माला है गले से लेकर के चरण तक है बड़ी सुंदर। जो राधा रानी कभी सात रंग के कभी पांच रंग के फूलों को माला बनाती है गले में धारण करते हैं। बोले भगवान जो वस्त्र धारण करते हैं वस्त्र का रंग कैसे, बोले पीला रंग है। बोले पीला क्यों, बोले राधा रानी का जो शरीर का रंग है वो तब तक कांचन गौरांगी, राधा रानी की रंग है तब तक कांचन मतलब तपे हुए सोने जैसे। इसलिए राधा रानी के प्रति विशेष प्रेम प्रकाश करते हुए कृष्ण वैसे ही कलर का वस्त्र धारण करते हैं और कृष्ण मीठी मीठी प्रभु बंसुरी बजाते हैं। बोले बंसुरी क्यों बजाते हैं, बोले बंसी में दो गुण है। पहला गुण है वो अंदर से खाली है। ठाकुर जी कहते हैं मेरे पास में ना दिल को खाली करके आओ, भर करके नहीं तभी तो मैं कुछ भरूंगा ना। और कृष्ण जैसे चाहते हैं बंसुरी वैसे बजती है, इसलिए कृष्ण बंसुरी बजाते हैं। कभी कभी राधा रानी कहती हैं अगले जीवन में और मैं ये राधा ही नहीं बन करके आऊंगी, आऊंगी तो ये बंसुरी बन करके। बोले क्यों, बोले देखो कृष्ण गोप हम गोपी, कृष्ण की अधरा मृत में हमारी अधिकार है लेकिन ये बंसुरी हमें अंगूठा दिखा दिखा करके हमारे सामने कृष्ण के सारे अधरा मृत को यही पान करता है। कृष्ण की अधर कैसे, एकदम बिंब फल जैसे बड़े सुंदर लाल, लेकिन ये सारे रस को पी लेता है। इसलिए कृष्ण का अधर देखो कैसे नीला पड़ गया। कृष्ण कभी बंसुरी को छोड़ते नहीं, कभी हाथों में कभी कमर में कभी उसको अधर में। बंसुरी कैसे बजाते हैं, कैसे बजाते हैं ना, ऐसे बजाते ना बंसुरी जी को। इसलिए राधा रानी कहती है देखो देखो कृष्ण ये बंसुरी को कितने सम्मान और बंसुरी को कितने सेवा करते हैं, जैसे किसी राजा महाराजा की सेवा हो, जैसे दोनों हाथ अंगुल को ऊपर रखते हैं, जैसे राजा महाराजा डल्लभ गद्दी में सोता है और ऐसे अंगुल चलाते हैं जैसे किसी राजा महाराजा के चरण की सेवा करता है। बोले कान में जो कुंडल, बोले कुंडल नहीं जैसे राजा महाराज का सर के ऊपर में छत्री धारण करते हैं। आंखों का जो पलक है पलक नहीं मानो ये बंसुरी को कृष्ण हवा देते हैं। अधर के ऊपर में ये अधर नहीं मानो ये तकिया है। ये बंसुरी कितनी सौभाग्य की, बोले चलो हम श्री पौर्णमासी को प्रश्न करेंगे क्यों, ये पौर्णमासी सब कुछ जानती है, ये त्रिकालज्ञ है, ये ऐसे कौन सा कर्म की जो कि कृष्ण अपना बंसुरी इसको बनाए, अगले जीवन में हम ऐसे ही पुण्य कर्म करके ये बंसुरी बन करके आएंगे। इसलिए कृष्ण जब सखाओं को साथ में श्री वृंदावन धाम में प्रवेश करते हैं कृष्ण का चरण स्पर्श पा करके वो घास नहीं जैसे शरीर पुलकित तो हो जाए रोंगट हो खड़े हो जाए, जो झरना नहीं मानो वृंदावन अपना आंखों से आंसुओं की झरी बहा रहा है। देखो ये वृंदावन धाम की कितनी महिमा, इसलिए कृष्ण वृंदावन धाम में प्रवेश करने पर सखा लोग कृष्ण को साथ में चलते रहते हैं और कृष्ण की जयकार देते हैं। बोले श्री कृष्ण के नैया लाल की। इसलिए ये श्लोक उन्होंने पहला चेले को सिखा दिया। श्री सुखदेव गोस्वामी पहले ब्रह्म ज्ञानी थे, वो ब्रह्म में डूबे हुए थे लेकिन भगवान इतने सुंदर, बांके बिहारी इतने सुंदर, जब इनको कानों में ये श्लोक पढ़ा है ना सारे ब्रह्म ज्ञान को सारे ब्रह्म ध्यान को त्याग दे करके उन्होंने निकल करके आ गए। इसलिए कहते हैं ना बांके बिहारी की देख चटा मेरो मन ले गयो लटा पटा, बांके बिहारी की देख चटा बिहारी की देख चटा
Hey, 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 hey.
किसको मिलते हैं बाकी बिहारी भक्तों को जल्दी किसको मिलते हैं यदि बाकी बिहारी से जल्दी मिल रहा है आपको उपाय बता रहा हूँ राधे राधे सुनते ही श्री सुखदेव गोस्वामी अपना ब्रह्म ध्यान को छोड़कर निकल कर के आ गए। तब श्री व्यास देवज ने इनको पूरी भागवत इनको कथा सुनाई। कहते ये भागवत कथा जो कथा की जो वक्ता है ये परम ब्रह्म ज्ञानी ये साधारण है। बोले भागवत कथा का श्रोता कौन? बोले परिकृति। ये परिकृति कौन है? बोले यहाँ पर श्री महाभारत का प्रारंभ होता है। देखो हमारी घर में भी कभी कभी महाभारत हो जाता है। आपको बताइए महाभारत होने का क्या कारण है? इसकी दो कारण हैं। अगर ये दो कारण अगर हमारी घर में आ जाए ना हमारे घर में भी महाभारत होना शुरू हो जाएगी। देखो दो कारण क्या है। देखो पहला कारण है ये द्रौपदी ने थोड़ी सी जीवा को चला दी। जिस समय है केवल द्रौपदी इतना बोल दी अंधा का बेटा अंधा होता है इतना केवल उसने बोल दिया। इसलिए हमारे बड़े गुरु जी कहते थे आप देखना शरीर में हर चीज में हड्डी है। हाथ में हड्डी सीधा हो जाता है, कमर में हड्डी बैठे हुए, टांग में हड्डी चलते हैं, अंगुल में हड्डी सीधा हो जाता है, लेकिन एक चीज में हड्डी नहीं है। बता सकते किसमें? हाँ आप लोग बड़े पंडित लोग। इसलिए ये जीवा है ना हर समय लपर 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 कुछ ना कुछ बोलना चाहता है। इसलिए देखना घर में किसी महाभारत नहीं होता है। ये द्रौपदी ने केवल जीवा को उन्होंने थोड़ी सी चला दी, उसने इतनी सी बात बोल दी अंधा के बेटा अंधा होता है बात। इससे महाभारत बोले रामायण क्यों हुआ है? यही कारण है। सीता माता सीता ने शिक्षा देने के लिए उन्होंने केवल लक्ष्मण को इतनी सी बात बता दी। जिस समय मारीच के पीछे भगवान राम चले गए, जब भगवान उसको बाण मारे वो तो राक्षस था, जोर से पुकारा भैया लक्ष्मण बचाओ। सीता ने बोले लक्ष्मण तुमने सुन लिया? तेरे भैया को ऊपर कोई विपत्ति पड़ी है? लेकिन लक्ष्मण को पता है राम को ऊपर कोई विपत्ति नहीं पड़ सकती, भगवान है। बोले मैं नहीं जा सकता हूँ क्योंकि भैया बोले आपको छोड़कर नहीं जाएगा। इतने में सीता इतनी सी बात बता दी, अभी मेरे को पता चला तू क्यों मेरे साथ में आया था। तो ये सोच रहे हो राम मरेगा तो तुम मेरे को शादी करोगे? उन्होंने इतनी सी बात केवल उन्होंने बता दी। जिसने कभी सीता के चरण का सिवाय कभी ऊपर देखा ही नहीं, कभी उन्होंने 14 साल तक किसी स्त्री की उन्होंने मुख दर्शन नहीं किया लक्ष्मण, अगर इतनी सी बात बताए कोई सहन कर सकता है? ये एक कारण बन गया। लक्ष्मण गए रावण उठा कर ले गया। दूसरा गलती की उन्होंने लक्ष्मण रेखा को उन्होंने काट कर गए। बोले देखो कुछ भी हो जाए ये रेखा को कभी पार नहीं करना, लेकिन सीता ने क्या की ये लक्ष्मण रेखा को पार कर गए। इसलिए शिक्षा देते हैं माताओं को, देखो खबरदार कभी भी अपना मर्यादा को पार मत करो नहीं तो रावण उठा कर ले जाएगा। उसी समय तो एक रावण है,
अभी घर घर में रावण है, मानते हो घर घर में रावण है, मानते कि नहीं घर घर में रावण है, अभी घर घर में रावण जन्म हो गए। इसलिए अगर स्त्रियां, कुछ दिन पहले टीवी में देखे होंगे किसी विधायक का लड़की कोई विधा करके ले गया, इतने घमासान लड़ाई होगी। इसलिए कहते हैं माताओं सावधान, लड़कियों को विशेष करके कभी भी अपना मर्यादा से पार मत करो, अब भी कोई रावण की कमी नहीं, अब भी तुम्हें उठा करके ले सकते हैं। इसलिए ये शिक्षा देते हैं। घर में महाभारत क्यों हुई है? दो कारण से महाभारत हुई है। पहला कारण है देखना, अपना घर में देखना कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक ठाक है, थोड़ी सी जीवा स्लिप हो गई, मुंह से कोई थोड़ी सी पानी निकल, हुई नहीं कुछ, लेकिन घर में देखना उसने मेरे कहीं से बोला, उसने मेरे कहीं से बोला, इतना घर घर में महाभारत शुरू हो जाता है। और दूसरा कारण, दुर्योधन क्या चाह रहा था? जितने सारे संपत्ति मुझे मिल जाए, और किसी को नहीं मिलनी चाहिए, सारे संपत्ति मेरे को मिले। इसलिए घर में भी ऐसे होता है, कहते सारे संपत्ति मुझे मिलनी चाहिए, भाई भले घाड़ में जाए, भाई लोगों को कुछ नहीं, सब मेरे को मिले। इसीलिए महाभारत होती है, शिक्षा देते खबरदार ये दो चीज से दूर रहोगे ना, पर घर में महाभारत तुम्हारी नहीं होगी। इसलिए जिस समय श्री परीक्षित महाराज उन्होंने उत्तरा की गर्भ में थे, इतने में अस्वस्थ मां ने सोचा ये पांडवों को मैं निर्वंश कर दूंगा। उसने ब्रह्मास्त्र उठाया और उन्हें छोड़ दिया उत्तरा को ऊपर में। इतने में ऊपर उत्तरा ने जाकर के कृष्ण के शरण में चले गए, बोले हे प्रभु मैं मर जाऊं कोई बात नहीं, लेकिन ये पांडवों का धरोहर एक संतान मेरे गर्भ में, अगर ये खत्म हो गया ना ये पांडव वंश निर्वंश हो जाएगा, इनको पिंड देने के लिए कोई रहेगा नहीं, आप मेरे बच्चे को रक्षा कर। भगवान ने किया कि उन्होंने उत्तरा के गर्भ में प्रवेश की और उन्होंने गदा को घुमा घुमा करके उन्होंने ब्रह्मास्त्र को उन्होंने निस्तेज किया है और उन्होंने रक्षा की। लेकिन जब परीक्षित महाराज जन्म हुए, उन्होंने गर्भ में उन्होंने भगवान को दर्शन किया था, वो जन्म होते ही सबको परीक्षा कर रहा था, मैंने गर्भ में जो काले काले मुरली वालों को देखा, वो कृष्ण कहाँ है, वो कृष्ण कहाँ है, सबको परीक्षा कर रहा था। इसलिए इनका नाम पड़ गया श्री परीक्षित, नाम पड़ गया, बोले श्री परीक्षित महाराज की। बोले जब जब कृष्ण द्वारका जाने के लिए तैयारी हो, पांडव लोग कुछ ना कुछ बहाना बना देते हैं। इतने में युधिष्ठिर महाराज आएंगे, बोले प्रभु कुछ दिन और रुक जाओ, विपत्ति में आपने कितने रक्षा किया हमें, अभी तक संपत्ति मिला है, अभी तो हम राजा बन गया, इसलिए कुछ दिन रुक जाओ। कृष्ण कुछ दिन रुक जाते हैं, फिर जब जाने के लिए तैयारी होना, फिर भीड़ आ जाता है, बोले क्या, बोले बड़े भैया की बात रखो, जब छोटे भैया की नहीं, इसलिए मेरे वजह से और कुछ दिन रुक जाओ। फिर जब जाने के लिए तैयारी, फिर अर्जुन आ जाए, कृष्ण को घर से निकलने नहीं देते, कुछ ना कुछ बहाना बना करके रख लेते हैं। एक दिन मैया कुंती ने आकर के कृष्ण को स्तुति कर रही है, बोले कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः, नमो पंकज मालिनी, नमो पंकज मालिनी। इसलिए भगवान को बड़ी सुंदर स्तुति कर रही थी, बोले हे प्रभु भगवान की सारे अंग को उन्होंने कमल को साथ में धारण किया, भगवान के शरीर में 8 कमल है, हस्त कमल, चरण कमल, नाभि कमल, मुख कमल, नेत्र कमल, भगवान के सारे अंग को उन्होंने कमलों के साथ में उदाहरण दिया। बोले क्यों? कारण है जो कमल है ना वो देखने में बड़े सुंदर है, आंख को बड़ा आनंद देता है और बड़ी सुंदर सुगंध है, बड़ी सुंदर सुगंध है। उसी तरह जो भगवान कृष्ण बड़े सुंदर है, बोले हे प्रभु जगत में सर्वश्रेष्ठ आपका भक्त कौन है? बोले श्री वसुदेव महाराज आपके सर्वश्रेष्ठ भक्त। बोले क्यों? बोले जगतपति जगन्नाथ तुम हो, लेकिन जगत में आपने पिता किसको बनाया? वसुदेव महाराज। कहते वसुदेव से श्रेष्ठ कौन? बोले देवकी। बोले क्यों? भगवान विश्व ब्रह्मांड जिसकी गर्भ में, लेकिन भगवान देवकी गर्भ में भगवान आए। इसलिए शिक्षा देते हैं पिताजी की जितने सौभाग्य है उससे ज्यादा सौभाग्य माँ, क्योंकि बच्चे को गर्भ में कौन धारण करती है? माँ।
9 दिन तक 9 महीना तक प्रसव पीड़ा सहन करती हैं, मैया गोद में सुलाती हैं। देखना बच्चा जब टाटे पे साफ कर देना, पिताजी गोद में पिताजी साफ करते ना, मैया को दे देते हैं, मैया के पास भेज देते, तो मैया के पास में चले जाते। जब फिर साफ सुथरा करते फिर पिताजी लेते हैं, इसलिए कहते पिताजी से सौभाग्यवान ज्यादा माँ की, ज्यादा माँ की ज्यादा सौभाग्यवान। बोले उनसे श्रेष्ठ कौन है? बोले श्री नंद और जसोदा, क्योंकि कृष्ण तो मथुरा में प्रकट हुए लेकिन उनको पल्ले में किसने झुलाया, उनको हाथ अंगुल पकड़ करके ठुमक ठुमक करके चलाना किसने सिखाया? ये मैया जसोदा ने। इसलिए कहते ना नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। इसलिए उनसे श्रेष्ठ श्री नंद और जसोदा। बोले उनसे श्रेष्ठ कौन है? बोले ये ब्रज की गोपियां, क्योंकि भगवान जो रास करते हैं ये गोपियों को साथ में ठाकुर जी रास दिए हैं, इसलिए उनसे श्रेष्ठ ब्रज गोपियां। बोले उनसे श्रेष्ठ कौन है? बोले गोपियां भी जिनकी चरण की सेवा करती हैं। बोले किसकी? बोले श्री राधा रानी की। इसलिए आप वृंदावन में जाओ ना, इसलिए किसको कृष्ण कृष्ण किसको बोलते हुए नहीं देखोगे, किसके नाम लेते हैं? जोर से और जोर से सबके सब वृंदावन में श्री राधा रानी का नाम सबके सब लेते हैं। इसलिए जब उन्होंने स्तुति कर रही थी, कृष्ण ने कहा बुआ जी आज तो तुम उल्टा गंगा बहा रहे हो, मैं कहा भतीजा और तुम मेरे को उल्टा स्तुति कर रहे हो। बोले यही तो तेरी माया है, कहां विश्व ब्रह्मांड का मालिक होकर जिसको बुआ बना लिया, जिसको मैया बना लिया, जिसको पिता बना करके माया के चक्कर में तुम डाले हो, इसलिए यही तो तुम्हारी माया है। इतने में बोले बुआ जी ठीक है, आज तू जो कुछ मांगोगे ना आज मैं 100 दे दूंगा, आज मांगो तेरे को क्या चाहिए। तब मैया कुंती बोले कृष्णा अगर देना चाहते हैं ना मेरे झोली में विपत सत्तु में साक्षात तत्र तत्र जगत गुरु, मेरे झोली में विपत्ति दे दो, दुख दे दो। बोले बुआ जी इतने दुख जीवन में मिला तभी पेट नहीं भरा, देखना सारा जीवन दुख ही दुख मिला। जब भीम छोटा बच्चा था पहले तो दुर्योधन उसको 20 का लड्डू खिला करके पानी में डाल दिया, उसके बाद में जतु गृह में आग लगा करके जलाने के लिए कोशिश की, फिर एक कपट जुआ खेल करके सब कुछ हड़प लिया, फिर उन्होंने द्रौपदी की वस्त्र हरण की, फिर 12 साल तक उनको जंगल में भटकना पड़ा, 1 साल तक अज्ञातवास रहा। बोले जिंदगी भर तुमने दुख दुख भोगी, क्या पेट भरा नहीं फिर दुख मांगते हो? देखो कुंती क्या कहते हैं, बोले सुख के माथे सील पड़े जो राम हृदय से जाए, बलि हरि वो दुख को जो पल पल नाम जपाए, दुख में सुमिरन सब करे सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे दुख कहां जाए। देखो आपसे एक प्रश्न करता हूँ, सही सही बोलना, हम लोग ज्यादा दुख में ठाकुर को स्मरण करते हैं ना सुख में स्मरण करते हैं? बोले जोर से, इसलिए हम सबके सब दुख में स्मरण करते हैं। इसलिए यहाँ पर माँ कुंती कहती हैं, बोले प्रभु जगत में 4 व्यक्ति तेरे भजन नहीं करेंगे। बोले 4 व्यक्ति कौन है? बोले जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री रेदमान मदपमान, ये 4 व्यक्ति बड़े अभिमान होते हैं। बोले कौन है? बोले जन्म, जिसको उच्चो कुल में जन्म हो जाए बड़ा अभिमानी हो जाते हैं, अरे हम त्रिवेदी चतुर्वेदी अम्ब चाटर्जी बेनार्जी बड़ा अभिमानी होते हैं तेरे भक्ति नहीं करेंगे। और दूसरा नंबर जिसको पास में थोड़ा ज्यादा पैसा हो जाए, हैं आप देखना कथा में ज्यादा पैसा वालों को नहीं देखोगे, यहाँ पर उनके लिए तो क्लब नाइट क्लब उनके लिए जहाँ शराब पीते हैं ना वहाँ कभी बंद नहीं करके जाना, लेकिन कथा में नहीं आएंगे कि कुंती भूल देती। बोले प्रभु बड़ा अभिमानी होते हैं, वो भक्ति भक्ति भजन भजन से मतलब उनका नहीं, उल्टा पुल्टा चीज में दिन पर लगे हुए देखोगे, लेकिन कथा में नहीं आएंगे यहाँ लोग। इसलिए जन्म ऐश्वर्य, लेकिन देखो पैसा आना बुरी बात नहीं, पैसा आनी चाहिए, पैसा के बगैर कुछ नहीं होता है, लेकिन जिसने तेरे को पैसा दिया है, जिसने तेरे को पैसा दिया अगर तू उसको ही भूल बैठा तेरे पैसा की क्या महत्व है? जिसने पैसा दिया तेरे को सब कुछ, कम से कम उसको तो स्मरण करनी चाहिए ना। लक्ष्मी किसकी है? नारायण की लक्ष्मी है, इसलिए जिसने तुमको सब कुछ दिया उसको के लिए तो थोड़ा समय निकालो। कहते हम कथा में नहीं आ पाते हैं। बोले क्यों? बजे क्या है?
बोले बिजनेस है, धंधा है। आज जिसने तुम्हें सब कुछ दिया है उसके लिए तो थोड़ा समय तो निकाल, उसके लिए तो थोड़ा समय निकाला करो। जिसने सब कुछ दिया तुमको उसके लिए तो थोड़ी समय निकालनी चाहिए ना। इसलिए ऐश्वर्य बोले श्रुत, श्रुत मतलब होता है विद्वता, थोड़ी सी ज्यादा लिखा है, लिखाई पढ़ाई सीख ले। अरे हमने PhD की, हमने डॉक्टरेट किया, इंजीनियर किया, हमने CA किया है। इसलिए कहते हैं भक्ति में नहीं करेंगे, भजन में नहीं करेंगे। और श्रुत स्त्री, स्त्री मतलब होता है जिनकी थोड़ा चमड़ा थोड़ा सुंदर हो जाए, है थोड़ा चमड़ा थोड़ा सुंदर हो जाए। कुंती कहती है प्रभु ये जो चार तरह का व्यक्ति बड़े अभिमानी होते हैं वो तेरे भजन भजन में कोई उनका मतलब नहीं, भक्ति में मतलब नहीं है। इसलिए नमो अकिंचन बिताय विपरीत गुण बृतय, तू तो अकिंचन का ही धन हो है। इसलिए प्रभु तेरे जो भजन करते हैं अगर ये चार गुण रहते हुए अगर तेरी कोई भक्ति करता है ना, मैया कुंती कहती है प्रभु वो बड़े सौभाग्यवान हैं, बड़े सौभाग्यवान हैं जो तेरी भक्ति करते हैं। इतने में पितामह भीष्म अभी सरसज्जा में लेट हुए हैं, ठाकुर जी इनको ऊपर में भी जा करके ठाकुर जी इनको ऊपर में कृपा की, बोले ठाकुर जी आप सामने खड़े हो जाओ, आपका नाम को लेते लेते आपको दर्शन करते करते मैं अंतिम श्वास को त्याग देना चाहता हूँ। जब उन्होंने अपना श्वास को त्याग दिया स्वर्ग से जितने देवता लोग पुष्प की बौछार की, बोले श्री पितामह भीष्म की, बोले जनमा जनमा मोनि जत न कराई, जनमा जनमा मोनि जत न कराई, जनमा जनमा मोनि जत न कराई, जनमा जनमा मोनि जत जन्म जन्म मुनि जतन कराई अंतराम कहीं आवतनाई, बोले मुनि लोग जन्म जन्मांतर जतन करने पर भी अंतिम समय में भगवान का नाम नहीं निकलता है। लेकिन देखा कहाँ ठाकुर जी सामने खड़े हुए और ठाकुर का दर्शन करते करते अंतिम श्वास, कितने सौभाग्यवान। देखो ये प्यार में दो अर्थ है, ये प्यार में दो अर्थ है। कोई कोई कहते हैं ना अरे बचपन से भक्ति करने का क्या जरूरत है, हम अभी क्या मर रहे हैं अभी से क्या भक्ति करेंगे। इसमें दो अर्थ, हम लोग हिंदी समझते हो, देखो ये प्यार को देखो, बोले जन्म जन्म मुनि जतन कराए, जब मुनि लोग को जन्म जन्मांतर तक जतन करते हैं तभी अंतराम कही, तभी अंतिम समय में राम का नाम आएगा। और अंतराम कही आवत नाही, जब अंतिम समय में प्रभु का नाम लेना फिर तो संसार में आना नहीं पड़ेगा है। इसलिए प्रहलाद महाराज बच्चों को कहते हैं देखो बच्चों कौमार आचार्य से प्राज्ञ, जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं उनको 5 साल उम्र से प्रभु की भक्ति शुरू कर देनी चाहिए। बच्चों ने कहा प्रहलाद ये 5 साल उम्र से क्यों भक्ति करे, अभी तो हम बच्चे हैं, अभी हम लिखाई पढ़ाई करेंगे, नौकरी चाकरी करेंगे, शादीशुदा करेंगे, फिर बच्चे जन्म देंगे। जब बच्चों को शादीशुदा करा देंगे ना, जब फिर रिटायर्ड लाइफ हो जाएगा फिर 1-2 माला सत्ता लेंगे। तुम अभी से भक्ति करने के लिए क्यों कह रहे हो, ध्यान देकर सुनो ये बड़े महत्वपूर्ण बात, बचपन से क्यों भक्ति करेंगे। अगर आपसे कोई प्रश्न करे आप क्या उत्तर दोगे, तब प्रहलाद महाराज ने 4-5 एग्जाम्पल दिया ये बचपन से क्यों भक्ति करनी चाहिए। आप लोग ध्यान देकर सुनो, पहला एग्जाम्पल दिया जैसे कच्चा मिट्टी हो, कच्चा मिट्टी में आप जो कुछ बनाना वो बना सकते हो, मिट्टी जब पक जाती है फिर उससे कुछ बनेगा, कुछ बनेगा नहीं उसमें क्यों, मिट्टी पक गई आई। जैसे कोई कागज, जब कोरा कागज होना
कोरे कागज के ऊपर में जो कुछ लिखना आपको लिखेगा दिखेगा, लेकिन एक कोरे कागज के ऊपर में एक बार लिखने के बाद उसको ऊपर दो बार लिखो, दोनों ही खत्म हो जाएगी, दोनों ही नहीं दिखेगी। इसलिए जब बांस जब कच्चा हो ना, आप उसको टेढ़े कर सकते हो, लेकिन बांस जब पक जाए ना वो टूट जाएगा, लेकिन टेढ़ा नहीं होगा। फूल जब खिला हुआ हो, खिले हुए फूल को ठाकुर का चरण में दे सकते हो। फूल जब मुरझा जाए सूख जाए फिर ठाकुर का चरण में चढ़ेगा, वो चढ़ेगा नहीं। पौधा जब छोटा हो आप उखाड़ करके कहीं लगा सकते हो जम जाएगा, लेकिन उसका जड़ ज्यादा नीचे चले जाए ना फिर वो जमेगा नहीं। इसलिए कहते हैं भाई रिटायर्ड लाइफ में क्यों भजन नहीं होगा। प्रहलाद ने कहा भैया जब सरकार तेरे को रिटायर कर दिया, अभी 8 घंटा बैठ कर तुम काम नहीं कर सकते हो, कमर टेढ़ी हो गई, कान में सुनना बंद हो गया, आंख में दिखती नहीं, जब तुमने साधारण सरकार तुमको रिटायर कर दिया भगा दिया, फिर भगवान की भक्ति कैसे करोगे। जिसको जन्म जन्म मुनि जतन कराई, कद जन्म जन्मांतर का जतन करने पर भी अंतर राम कहीं आवत नाही, तभी अंतिम समय में राम नाम नहीं आता है। देखो जैसे आप लोग हो, आप देखो 10 मिनट ठाकुर के सामने बैठे, 10 मिनट ठाकुर को याद करेंगे, आप देखना 10 मिनट क्या 1 मिनट भी मन में नहीं लगेगी आपको। आप स्वयं देख लो, बोले समझो ठाकुर के सामने 10 मिनट भजन करेंगे, आप देखना 1 मिनट भी मन नहीं लगेगी, 1 मिनट नहीं। आंख बंद करते बेटा बेटी नाती पोती दुनिया लग यही बने, क्योंकि जिंदगी में जो रील में जो भरा हुआ वही तो निकलेगा ना। जिंदगी में रील में जो तुमने भरे हो वही तो निकलेगा। जिंदगी भर रील में तो कचड़े भर दिए तो कचड़ा तो निकलेगा ना, जो कुछ जिंदगी में किया वही तो याद आएगी। इतने आसानी नहीं बुढ़ापा में भजन करना। इसलिए प्रहलाद महाराज ने मना कर दिया, बच्चों बुढ़ापा में भक्ति नहीं होगी। बताओ ध्रुव प्रहलाद कितने उम्र में भजन की? 5 साल में। मीरा ने कितने उम्र में भजन की? 5 साल में। तुलसीदास कितने जवानी में, हनुमान जी जवानी में, किसी की भी नाम ले लो कोई भी बुढ़ापा में भक्ति नहीं किए। जो लोग भक्ति किए बचपन से ही भक्ति किए, इसलिए बचपन से जो आदत डालोगे, आप किसी बच्चे को कोई बात बोलो याद करने के लिए छट रट लेगा, किसी बड़े बूढ़े को बोलो कोई बात को याद करने के लिए 1000 बार रटोगे तब तुम्हारी याद नहीं होगी। इसलिए जब बचपन बच्चा होना, इसलिए कहते हैं जन्म जन्म मुनि जतन कराई, जब ये मुनि लोग जन्म जन्मांतर तक जतन करते अंतर राम कहीं, तभी अंतिम समय में राम का नाम निकलेगा। और अंतर राम कहीं अरे आवत नाही, अरे संसार में तुमको आना नहीं पड़ेगा। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम। इसलिए श्री कृष्ण बोले देखो पांडवों को हमको जाना पड़ेगा अभी द्वारका। इतने में अर्जुन कृष्ण को लेकर के द्वारका गए, लेकिन उनको 7 महीना हो गया अभी वापस नहीं आ रहे। एक दिन युधिष्ठिर महाराज बड़े अपशकुन देखे, इतने में अर्जुन को देखा आया, एकदम अर्जुन का चेहरा एकदम चेहरा उतरा हुआ चेहरा। बोले अर्जुन ये क्या हो गया, उतरे चेहरा क्यों उतर गया? बोले प्रभु कृष्ण संसार छोड़ करके चले गए। तब कृष्ण का एक एक बात को स्मरण करते करते रो रहे थे। बोले भैया आपको याद होगा? बोले किस बात की? बोले जिस समय आप जुआ खेल रहे थे, पहले तो राज्यों को हार गए, फिर भाइयों को भी लगा दिया, भाई को हार गए, इतने में हमारी शकुनि ने कहा आपके पास में सबसे बड़ा रत्न अभी भी है। बोले कौन सा रत्न? बोले द्रौपदी। उनने द्रौपदी को भी जुआ में उन्होंने लगा दिया और उन्हें द्रौपदी को भी हार गए। जब हार गए इतने में दुर्योधन ने कहा दुशासन अभी द्रौपदी राज रानी नहीं हमारी दास, जाओ उसको पकड़ करके ले आओ। और उसको घिसटते हुए, वो रजस्वला अवस्था में थी, उनको घिसटते हुए भरी सभा में ले आए। बोले इसको विवस्त्र करके मेरे जंधे के ऊपर में बैठा दो। इतने में दुशासन ने कोशिश की उनको विवस्त्र करने के लिए, लेकिन ये द्रौपदी देखो ध्यान देकर सुनो, यहाँ ये द्रौपदी एक समय अपना पुत्र वधु श्री उत्तरा को ये बात कह रही थी। बोले उत्तरा ये मेरी आजमाया हुआ बात है, आप भी ध्यान देकर सुनो।
अगर किसकी शरण में जाना है ना, केवल बांके बिहारी जी की शरण में जाओ और किसी की शरण में मत जाओ। मेरे आजमाया हुआ बात है, अनुभूति। बोले क्या है? पहले मैं बहुत डीग हाँकती थी। क्या डीग हाँकती थी? मेरे पांच पांच पति है, सर्वश्रेष्ठ गांडीवधारी अर्जुन, सर्वश्रेष्ठ गदाधारी भीम, तलवार युद्ध में युधिष्ठिर के बराबर कोई नहीं थे, भाला युद्ध में और तलवार युद्ध में लकुल सहदे, मैं डीग हाँक रही थी। मेरे पांच पांच पति, ये हिजड़ा मेरा क्या कर लेगा? लेकिन मैं पहले ये डीग हाँकती थी। जब दुशासन घिसटते हुए ले आए, मैंने पांच पांच पतियों को तरफ देख रही थी, आंख फाड़ फाड़ कर कुछ तो बोलेंगे, रक्षा करेंगे, लेकिन सबके सब सर नीचा करके बैठेंगे, कोई कुछ बोले। फिर मैंने सोचा यहाँ पर हमारे गुरु वर्ग पितामह भीष्म हैं, द्रोणाचार्य कुलो गुरु बैठे हुए, श्री धृतराष्ट्र मैं कुलो बंधु हूँ, थोड़ी मेरे को नंगे करने थोड़ी देंगे, तो कुछ ना कुछ बोलेंगे। मैं उनको तरफ में भी देख रहा था, कोई कुछ बोलेंगे। लास्ट में अपना कपड़े को मैं स्वयं कोशिश की, अपना लज्जा को रक्षा करने के लिए, लेकिन दुशासन जहाँ पर 10,000 शक्ति हाथी की, मैं क्या कर सकती हूँ? उन्होंने इतने जोर से उसने खींचा, मैंने भी अपना हाथ में छूट गई, लेकिन लास्ट में मैंने दोनों हाथ को उठाते हुए, हे गोविंद रात शरण अंत जीवन हरी, मैंने जब दोनों भुजाओं को उठाते हुए, श्री बांके बिहारी तू ही एकमात्र मेरे लाज को बचा सकते हो, जो हाथ उठाया, तब कृष्ण स्वयं वस्त्र रूप में प्रकट हो गए। 10,000 हाथी का ताकत खत्म हो गई, लेकिन 10,000 साड़ी खत्म नहीं हुई। सारा दुनिया देख रहे थे, ये साड़ी की कोई नारी ना नारी की कोई साड़ी है, ये कुंती, ये हमारे श्री द्रौपदी खुद अपना पुत्र वधु को ये कह रही हैं, अगर शरण में जाना केवल बांके बिहारी की शरण में जाना, ये दुनिया में मेरे में आजमाया हुआ चीज है, ये दुनिया बड़ा विचित्र है। बोले कि आप कैसे हो? बोले जब तक जेब में पैसा हो, पैसा गैन आप कैसे नहीं, तुम कौन हो? क्या बोलेंगे? तुम कौन हो? ये दुनिया बड़ा विचित्र है, विपत्ति का समय में कोई भी रक्षा करने वाले नहीं, कौन रक्षा करेगा? बोले कौन रक्षा करेगा? बांके बिहारी। इसलिए शरण में जाओ तो केवल ठाकुर जी की शरण में जाओ, वही केवल हमें लाज रक्षा करने वाले बचाने वाले। बोले श्री बांके बिहारी लाल की, बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। इसलिए उन्होंने एक एक उनकी गुण को स्मरण करते करते रो रहे थे। इतने में कुंती ने देखा, जब कृष्ण ही नहीं रहे, फिर दुनिया में रहकर क्या लाभ है? प्राण त्याग दिया। देखो दुनिया को शिक्षा देती है, तभी ये जीवन को धारण करो, अगर ये जीवन में अगर कृष्ण भक्ति होगा तो, अगर ये जीवन से भजन नहीं हो रहा है ना, कभी जिंदा रहकर कोई लाभ नहीं है। ये जीवन धारण करके कोई भी लाभ नहीं, क्या लाभ है जीवन धारण करने का? जीवन धारण करने का तभी लाभ है अगर ये जीवन में प्रभु का अगर भजन हो रहा है, नहीं तो कुत्ते गधे सुअर क्या खाते नहीं पीते नहीं, वो क्या बच्चे नहीं देते? देखो एक एक साथ में सुअर तो बार बार बच्चे दे देता है, 20-20 बच्चा दे देता है, एक महीना में पाल देता है। हमने जीवन में कितने बच्चों को जन्म दिया है? अगर प्रभु का भजन नहीं किया ना, कभी जीवन बेकार है। इसलिए कुंती उसी समय शरीर को त्याग दी। पांडव लोगों ने देखा तो भगवान ही चले गए, फिर रह करके क्या लाभ है? पांडव भी सब कुछ त्याग दे करके चले गए। लेकिन जाने से पहले हस्तिनापुर का राजा श्री परीक्षित महाराज को बनाए और श्री वज्रनाभ को उन्होंने वृंदावन का राजा बनाए। एक दिन परीक्षित महाराज बड़े अपशगुन देख रहे थे, बोले भैया मेरे देश में क्या अनहोनी हो रहा है? तब उन्होंने चतुरंगणी सैनी को लेकर के देखने के लिए गए, मेरे देश में अनहोनी काम हो रहा है। उन्होंने प्राची नदी को किनारा में पहुंचे तो एक आश्चर्य घटना देखा। बोले क्या देखा? उन्होंने देखा है कि गैया बड़ी दुखी होकर के रो रही है और एक बैल जिसका तीन प्यार नहीं वो एक प्यार में खड़ा हुआ है, और एक शूद्र राजा मोटे सोटे काले रंग के वो एक चरणों को भी प्रहार कर रहा था, तोड़ने के लिए कोशिश कर रहा था, और वो जो बैल उन्होंने बिष्टा पुत्र को विसर्जन करते हुए रो रहा था। परीक्षित महाराज देख करके तो बड़ा उनका आश्चर्य लगा, मेरे देश में इतना अनुमान। उन्होंने तलवार निकाले, झपट पड़ी, लेकिन वो था स्वयं कली।
देखा ये परीक्षित महाराज बड़ा बलवान है। ऐसे परीक्षित महाराज ये पंचम पांडव में जितने गुण था ना, अकेले परीक्षित महाराज के बगल में सारे गुण विद्यमान था। बड़े बलवान थे परीक्षित महाराज, बड़े बलवान थे। पंच पांडव का सारे गुण उनका अकेले के अंदर में बड़ा प्रतापी थे। बोले भैया इनसे बचना बड़ा कठिन है। सीधा उन्होंने चरण में गिरी पड़े। बोले क्यों? बोले ये अर्जुन का वंशधर है, इनकी वंशधर में एक विशेष गुण है, आप जितने बड़े पाप क्यों नहीं किया हो, केवल इनके चरण में प्रणाम कर लो तो सारे पाप को भूल जाते हैं। इनके अंदर में ये एक गुण है। बोले ये शरणागति व्यक्ति को कभी मारते नहीं, उनके चरण में लेट गए। बोले भैया तुम कौन हो? बोले मैं कली हूँ। बोले ये बैल कौन है? बोले ये धर्म है। बोले इनकी तीन चरण गई कहाँ? बोले सत्य त्रेता द्वापर तीन युग बीत गया, धर्म का चार चरण है, तीन चरण खत्म हो गया, अभी ये धर्म एक चरण के ऊपर खड़ा हुआ हुआ। बोले तुम क्या कर रहे हो? बोले मैं कलियुग हूँ, मैं चाहता हूँ मेरी स्थान हो, कलियुग का स्थान हो, जगत में कोई धर्म कर्म में रहना देना नहीं चाहता हूँ। परीक्षित महाराज बोले देखो जब तक मैं राज्य तो करूँगा तब तक तेरे कोई स्थान नहीं। बोले प्रभु जब आप सबको स्थान दिया मेरे को भी तो स्थान दो। अभी परीक्षित महाराज सोच रहे हैं ये कलियुग में दोष किया और गुण किया। उन्होंने देखा कलियुग में तो ज्यादा ही दोष है लेकिन कलियुग में एक गुण है। बोले वो क्या गुण है? बोले कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्तम बद्ध परम। अगर ये कलियुग में विशेष गुण है, कलियुग में ज्यादा कोई परिश्रम करने का जरूरत नहीं, केवल ठाकुर का थोड़ी सी नाम जप कर लो, थोड़ी सी कलियुग में नाम जप कर लोगे ना सारे पाप से मुक्त होकर के आप ठाकुर के धाम में चले जाओगे। इसलिए कलियुग में ये एक विशेष गुण कलियुग में। अब ये जो कलियुग, ध्यान देकर सुनो, ये जो कलियुग है ना, ये कलियुग को बताया धन्य कली। कौन सा कली है? जोर से बोलो। हाँ देखो ये चीज को समझो, क्योंकि चार युग है, सत्य त्रेता द्वापर कली, ये चार युग है। लेकिन हर कलियुग में श्री चैतन्य महाप्रभु नहीं आते। चैतन्य महाप्रभु कब आते हैं? देखो ध्यान देकर सुनो, कल मैं सबको पूछूंगा इसको धन्य कली क्यों कहते हैं। इसलिए कहते हैं हर कलियुग में चैतन्य महाप्रभु नहीं आते। बोले कब आते हैं? बोले ब्रह्मा का एक दिन में। बोले भैया ब्रह्मा का एक दिन कितना बड़ा? अच्छे तरह से समझो इस चीज को। बोले ब्रह्मा का एक दिन कितना बड़ा है? बोले ब्रह्मा का जो एक दिन है, ये चीज को समझो, जैसे कलियुग का परमायु 432,000 साल, कितना? 432,000। बोले द्वापर उसका दो गुना कर लो, कितना हो जाएगा? बोलो जोर से बोलो, 864,000। फिर त्रेता युग ये कलियुग का तीन गुना कर दो, कितना होगा? अरे तुम लोग कोई लिखे बड़े नहीं हो, कोई हिसाब नहीं कर रहे। बोले कितना होगा? ठीक है जितना हुआ है, ये कलियुग का तीन गुना ये त्रेता, और कलियुग का चार गुना ये सत्य युग है। अभी ये सबको मिला दो, ये सबको मिला देने पर जो होता है उसको एक महाजुग कहते हैं। अच्छे तरह से दिमाग में बैठा कर सुनो इसको, इसको एक महाजुग कहते हैं। ऐसे 71 महाजुग में एक मनुतर होता है, और ऐसे जब 14 मनु जब चले जाए, 14 मनु जब बीत जाए तो ब्रह्मा का एक दिन, मतलब 1000 चतुर्युग बीतने का बाद फिर ये कलियुग में श्री महाप्रभु आते हैं। हर द्वापर में कृष्ण नहीं आते हैं, अभी जो द्वापर गए ना उसमें कृष्ण आए। हर त्रेता में प्रभु राम नहीं आते हैं, लेकिन अभी जो त्रेता गया प्रभु राम आए। क्यों? ये धन्य कलियुग है, क्योंकि उसी कलियुग में श्री चैतन्य महाप्रभु आते हैं। जब श्री चैतन्य महाप्रभु आते हैं और इनका विशेष कृपा है, ये कलियुग में थोड़ी सी प्रभु का नाम जप कर ले कोई, उसको कौन सा प्रेम? उसका ब्रज प्रेम मिलेगा, जो प्रेम के लिए ब्रह्मा शंकर उद्धव नारद भी जिस प्रेम के लिए कठोर तपस्या करते हैं। लेकिन कलियुग में अगर इसी महाप्रभु की धारा में कोई आ जाए और सद्गुरु का चरण आश्रय करते हुए एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम।
नाम जप कर लो वो दुर्लभ प्रेम आपको मिल जाएगा। इसलिए परिपति महाराज अपना दिव्य दृष्टि से उन्होंने देख लिया और उन्होंने कलयुग का स्थान दे दिया। बोले ठीक है कलयुग तुम अभी रहो, लेकिन कलयुग को कहां कहां पर स्थान दिया? बोले चार ही जगह पर कलयुग को स्थान दिया। अगर कलयुग में केवल चार ही नियम का पालन कर लो और थोड़ी सी भगवान के नाम जप कर लो बस तुम्हारी बड़ा पार हो जाएगी। बोले वो चार नियम क्या है ध्यान देकर सुना भी। कौन सा कलयुग में जैसे किसी आप कोई बीमारी किसी अच्छे डॉक्टर के पास गए, सचमुच से वो डॉक्टर अच्छे डॉक्टर आपका बीमारी सही करना चाहता है, वो बोलेगा देखो दवा तो मैं बड़ी बहुत बढ़िया दवा दे रहा हूँ, लेकिन अगर आप परहेज के साथ में दवा लोगे ना ये दवा जल्दी जल्दी असर करेगा, लेकिन अगर आप बगैर परहेज के साथ में अगर जिंदगी भरी दवा लोगे ये दवा कोई असर नहीं करेगी। इसलिए कलयुग में दवा क्या है भगवान का नाम, ये बड़ी मीठी दवा है। लेकिन इसकी परहेज क्या? बोले केवल चार नियम है। कितना नियम है? पहला नियम है कभी जुआ नहीं खेलनी चाहिए। धर्म का पहला सत्य है, देखना जो व्यक्ति जुआ खेलता है ना वो कभी सच नहीं बोल सकता है, वो झूठ झूठ ही बोलता है। इसलिए जुआ खेलने से धर्म का पहला चरण सत्य नष्ट हो जाएगा। इसलिए युधिष्ठिर महाराज शिक्षा दिया देखो मैं स्वयं धर्म राजा हूं, लेकिन ये जुआ खेल करके मेरी कितने सत्यानाश हुई। पहले राज्य गया, भाई गए, पत्नी गई, फिर 12 साल तक जंगल में भटके और 1 साल तक विराट राज्य में हमें नौकरी करना पड़ा। अगर कोई व्यक्ति जुआ खेलेगा ना इतने उसकी सर्वनाश होने वाले। खबरदार कोई जुए में मेरे पास में कोई कुछ भक्त लोग आए थे, किसी एक व्यक्ति ने कहा बोले बाबा मैंने जिंदगी भर जितने पैसा कमाया था ना मेरे बेटा 1 मिनट में IPL जो कल हो रहा था ना IPL अभी 6 रन रह गया, 6 रन उसमें पैसा लगा दिया, अगर जीत जाएगा था इसको मिलेगा हार जाएगा मिलेगा। बोले 1 मिनट में उसने जिंदगी में मैंने जितने पैसा कमाया था वो सारे पैसा 1 मिनट में मेरे बेटा हार गया और रोड में आ गया। इसलिए खबरदार कभी ज्यादा लोभ में मत पड़ा करो, ठाकुर ने जो दिया उसमें खुश रहो और भगवान की भक्ति करते रहो, ज्यादा लोभ में मत फंसा करो, हाँ ज्यादा लोभ में मत फंसा करो। इसलिए जो जुआ खेलता है उसकी सर्वनाश, घर द्वार सब बिक जाएगी सबके सब। इसलिए अपना बच्चों को पतियों को इस सब चीज से दूर हटाना, ठीक है ना। दूसरा नंबर है पानम। पानम का मतलब होता है किसी तरह का नशीली वस्तु, मतलब जैसे पान, बीड़ी, सिगरेट, अफीम, गांजा, भांग, शराब, गुटखा, ये सब चीजों को नहीं लेनी चाहिए। अब ये गुटखा बहुत चल रहा है, जिसने ये गुटखा का कंपनी खोला है ना वो स्वयं कैंसर में मरा है। जितने खुला खुद तो कैंसर में मरा और दुनिया को मरवा कर दिया। इसलिए गुटखा का पहला अक्षर क्या बताओ तो बोलो, गुटखा का पहला अक्षर क्या है जोर से बोलो। हाँ ये गुटखा नहीं ये गु है, इसलिए ये गुटखा नहीं खानी चाहिए कैंसर हो जाता है, इसलिए ये सब गंदी चीज से दूर रहनी चाहिए। और शराब नहीं पीनी चाहिए है, ये शराब नहीं पीनी चाहिए। कितना शराब पीने वालों को 3 लाभ है, कितना लाभ है क्या क्या है? पहला नंबर वो व्यक्ति कभी बूढ़ा नहीं होगा, दूसरा नंबर घर में चोरी नहीं होगी, बोले तीसरा नंबर कुत्ते उनके दोस्त बनेंगे। बोले मतलब क्या है? पहला नंबर वो बूढ़ा नहीं होगा, बोले बूढ़ा कब होगा? जिंदा रहे तब तो बूढ़ा होगा। अभी मैं रशिया जाता हूँ, मैं देखता हूँ वहाँ लड़की लड़की ज्यादा है और बूढ़े नहीं। मैंने पूछा भैया यहाँ पर ये बूढ़े क्यों नहीं है, इतने लड़की क्यों है? बोले बाबा यहाँ पर लोग ज्यादा शराब पीते हैं और शराब नहीं पी करके आधा उम्र में खत्म हो जाते हैं। कुछ दिन पहले एक माता जी मेरे पास में हरिनाम लेने के लिए आई, उसका उम्र थी 30 साल की, उसके साथ में 2 बच्चे थे। मैंने बात करते करते पूछा इसके पिताजी कहाँ हैं, बच्चों का पिताजी कहाँ? बोले शरीर छोड़ दिए। बोले क्यों? बोले वो पीते थे।
इतने पीते थे पीते 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 लास्ट में देखा उसका सारे लीवर खत्म, भक्त सब शरीर खत्म, बोले कोई बचने का कोई उपाय नहीं था। इसलिए आप लोग कभी, इसलिए पहला लाभ क्या, बूढ़ा नहीं होगा। दूसरा लाभ, घर में चोरी नहीं होगी। बोले चोरी कब होगा, घर में कुछ हो तभी तो चोरी होगी ना, वो तो बेच बाज कर पी पा कर सब खत्म कर देगा, वो फिर चोरी कहाँ से होगी। तीसरा लाभ, कुत्ते दोस्त बनेंगे। कुछ दिन पहले के वीडियो आए थे आप देखे होंगे, एक व्यक्ति शराब पी करके पड़ा हुआ था, कुत्ते बुरी तरह से उसको मुंह को चाट रहे थे, आप देखे होंगे। इसलिए ये सब चीज से खुद भी दूर रहे और अपना बच्चे बच्चियों को दूर में रखे सब चीजों को। लेकिन अभी एक दुनिया ऐसे हो गया है, जैसे शादी विवाह हो, बच्चे का बर्थडे हो, अगर ये सब चीज नहीं पिलाओ ना, बोले कौन सा शादी जिसमें मांस नहीं खिलाया और शराब नहीं पिलाया। नहीं, एक संत कह रहे थे, बोले जिसी बच्चे का बर्थडे में तुमने इतने जानवर को मरवाया और इतने बोतल तुमने तुड़वाया, इतने तुमने मतलब शराब पिलाया, वो बच्चे का कभी कल्याण हो सकता है? वो संत कहते थे अगर वो बच्चे का उम्र 100 साल होना, उसी दिन ही 50 साल उम्र में आ जाएगा, क्योंकि जिसकी उद्देश्य में तुम इतने पाप कर्म कर रहे हो। इसलिए ये सब चीज से खुद दूर रहे और दूसरों को भी दूर रखे, ठीक है ना। इसलिए नशा तो एक ही हो, कृष्ण भक्ति की नशा हो। जगत का जो रात में शराब पियो सवेरे, उसका नशा उतर जाती है, लेकिन कृष्ण भक्ति की नशा कभी उतरती नहीं, वो नशा बढ़ती रहती है, नशा बढ़ती रहती है। नशा केवल एक हो, कृष्ण भक्ति, बांके बिहारी की प्रेम की, राधा रानी की प्रेम की ही एक नशा हो, और जगत में कोई नशा नहीं होती। हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल।
नस्ली वस्तु नहीं लेनी चाहिए। तीसरा जो स्थान है, अवैध रूप में स्त्री संग नहीं करनी चाहिए, मतलब बगैर शादी के स्त्री पुरुषों से, पुरुष स्त्रियों से नहीं मिलनी चाहिए। संसार करो, शादी करके अपना पत्नी को साथ में अपना घर गृहस्थी बैठाओ, बगैर शादी के जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं, शास्त्र इसको स्वीकार नहीं किया, ये बड़ा बहुत बड़ा पाप बताया है। इसलिए संसार करो, शादी करके सत पत्नी सत पति को साथ में गृहस्थ धर्म जाजन करते हुए बताए, जो स्त्री एक पुरुष एक पुरुष एक स्त्री को साथ में रहे, एक तरह का ये क्या है, एक तरह का ये तपस्या, एक तरह का है, एक तरह का ये तपस्या है एक तरह का। इसलिए अपना गृहस्थ धर्म पति पत्नी मिल करके गृहस्थ धर्म बनाओ। उसके बाद में चौथा नंबर जीव हिंसा। जीव हिंसा मतलब मांस नहीं खानी चाहिए, मछली नहीं खानी चाहिए, अंडा प्याज लहसुन आदि ग्रहण नहीं करनी चाहिए। इसलिए इसका नाम मांस, ये संस्कृत शब्द है। मांग मतलब होता है मुझको, सह मतलब होता है वह, मतलब अभी हम जिसको खा रहे हैं बाद में हमें जो खाएगा। इसलिए अंग्रेजी में क्या कहते, बोले मीट, बोले मीट मतलब क्या है, बोले मी ईट बा ईट मी, बोले जिसको अभी हम खा रहे हैं बाद में हमें जो खाएगा, बाद में हमें जो खाएगा, इसलिए उसका नाम मीट कहते हैं। इसलिए कभी ये सारे गंदी चीजों को छोड़ करके शुद्ध रूप में भगवान की भक्ति करनी चाहिए। एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे जय जय श्री राम। भैया माइक दे दो, माइक दे, हमारे बीच में हमारे से संजय प्रभु जी, वो थोड़ी सी आपको कथा सुनाएंगे, फिर इसको बाद में प्रसाद लेकर सबके सब अपना घर में जाना। इसको चालू करना। हरे कृष्ण जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि श्री गौर भक्त वृंद, हरे कृष्ण उपस्थित वैष्णव वैष्णवी मात्र भाई बहन सभी के चरणों में मेरे यात्रा को दंडवत प्रणाम। गुरु जी की हेतु की कृपा से कुछ कहने का प्रयास करूँगा। मैं ना राजनगर एक्सटेंशन से आता हूँ, तो जब मैं राजनगर से आता हूँ तो वहाँ पर एक एलिवेटेड रोड है, फ्लाईओवर है, तो जब मैं फ्लाईओवर में खड़ा होता हूँ, जब भी मैं आता हूँ तो थोड़ी देर वहाँ खड़ा होता हूँ, तो मैं वहाँ से देखता हूँ तो नीचे जो पुल के नीचे से ना काफ़ी सारी गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही हैं आ रही हैं जा रही हैं, हजारों लाखों गाड़ियाँ रोज सुबह निकल रही हैं वापस आ रही हैं, कहाँ जा रही हैं और कहाँ से आ रही हैं,
रोज हजारों गाड़ियां आ रही हैं जा रही हैं, कभी आप जाना पुल के ऊपर खड़े होकर देखना नीचे कितनी सारी गाड़ियां आती हैं जाती हैं आती जाती, कहाँ जा रही हैं कहाँ आ रही हैं, किस लिए जा रही हैं? कोई कहेगा नौकरी पे जा रहे हैं, कोई कहेगा पैसा कमाने जा रहे हैं, लेकिन उनका अल्टीमेट गोल क्या है, मतलब किस लिए जा रहे हो? कोई बता सकता है किस लिए जा रहे हैं? सुख के लिए। हर व्यक्ति को क्या चाहिए? सुख। आदमी नौकरी करने जा रहा है, इसलिए कर रहा है ताकि पैसा आएगा, पैसे से क्या मिलेगा? सुख। हर व्यक्ति सुख चाहता है, हर व्यक्ति किसी ना किसी कारण से सुख चाहता है, तो क्या हर व्यक्ति को उसका सुख मिल रहा है? यहाँ पे जो भी व्यक्ति बैठे हैं, कोई भी बैठा हुआ है, कोई ऐसा है जिस जो दुखी नहीं है? कोई है ऐसा? सब दुख। अच्छा, एक तो प्रभु जी हैं वो बता रहे हैं वो सुखी हैं, ठीक है। अभी मैं आप देखना एक कुछ बताऊंगा, उसमें अगर आप नहीं फॉलो करते तो बताना। तो एक ही प्रभु जी हमारे यहाँ बैठे जो सुखी हैं, बाकी सारे दुखी हैं, हो सकता है वो सुखी हो, ठीक है। तो ऐसा क्या रीजन है, क्या कारण है कि हम सब लोग दुखी हैं? तो भगवान भगवद्गीता में खुद बता रहे हैं, ये जो संसार है ना, ये दुखालय, दुखालय अस्वास्थ्यम, ये दुखों का घर है। जैसे पुस्तकालय में आप जाओगे, पुस्तक मिलती है उसे क्या बोलते हैं? पुस्तकालय। आप चिकित्सा कराने जाओगे उसे क्या बोलते हैं? चिकित्सालय, ठीक है। औषधि लेने जा रहे हो उसे क्या बोलेंगे? औषधालय। और विद्यापीठ के लिए जाओगे तो उसे क्या बोलेंगे? विद्यालय। उसी तरह ये क्या संसार क्या है? दुखालय। ये भगवान स्वयं बता रहे हैं भगवद्गीता में, दुखालय। यह सुख है ही नहीं, तो वास्तव में सुख है कहाँ? जब यहाँ सुख है ही नहीं तो यहाँ सुख मिलेगा कैसे? हम सब लोग यहाँ सुखी भोज में, माता पिता अपने बेटों में, पति पत्नी में अपने एक दूसरे में, बच्चों में, लोग मॉल में, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में, नई नई गाड़ियों में, घर में, यहाँ सुख ढूंढते हैं। तो क्या सुख है? सुख है, लेकिन वो क्या है? क्षणिक है, कुछ देर का सुख है बस, परमानेंट सुख कुछ भी नहीं है, कुछ देर का सुख है। तो ऐसा क्यों है? और हम कहाँ ढूंढ रहे? संसार में ढूंढ रहे, जबकि भगवान ने बता दिया संसार में तो सुख है ही नहीं, तो कहाँ से मिलेगा? एक व्यक्ति अपने घर के सामने स्ट्रीट लाइट होती है ना, रेड जो लाइट होती है, रोड पे लाइट होती है, उसके नीचे कुछ ढूंढ रहा था, बड़ा परेशान। तो एक व्यक्ति ने देखा कि ये क्या ढूंढ रहा है, उसके पास गया, पूछा भाई साहब क्या हुआ, आप क्या देख रहे हो? उसने बताया कि भाई साहब मेरी ना हाथ से मेरी ना सोने की रिंग गिर गई, गोल्ड रिंग। उसने कहा ये तो बड़ी महंगी है, वो भी उसकी तरह ढूंढने लगा, मिट्टी हटा ली, घास हटा लिए, ईंटे पत्थर हटा ली, नहीं मिली। तो व्यक्ति ने पूछा भाई साहब आपकी रिंग गिरी कहाँ पर थी? उसने कहा घर के पीछे। तो घर के पीछे, तो आप यहाँ क्या ढूंढ रहे हो? क्या उसको बड़ा रिंग मिलेगी? मिलेगी नहीं मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी? रिंग तो कहाँ गिरी थी? घर के पीछे। और ढूंढना रहा है घर के आगे, कह रहा भाई यहाँ तो उजाला है तो मैं इसलिए यहाँ ढूंढ रहा हूँ, पीछे अंधेरा इसलिए मैंने वहां नहीं ढूंढा। तो ऐसा हो सकता है कि उसे मिलेगी नहीं मिलेगी। तो उसी तरह हम संसार में सुख कहाँ ढूंढ रहे इस जगत में, जबकि भगवान ने बता दिया यहाँ तो सुख है ही नहीं, तो ऐसा क्यों है? तो सुख कहाँ है? तो एक संत बड़े अच्छी बात बताते हैं, कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिना रहे तो दास, थोड़े थोड़े सब दुखी और सुखी हरि के दास। कोई तन दुखी, 99% लोग आजकल तन से दुखी है। तन यानी शारीरिक कष्ट, किसी के पैर में दर्द, किसी के घुटने में दर्द, किसी के पेट में प्रॉब्लम, किसी के सर में दर्द, किसी के दांतों में दर्द, ऐसा कोई मुश्किल ही 1% हो सकता है जिसको कुछ तकलीफ ना हो, बाकी सब हर कोई व्यक्ति किसी न किसी कारण से पीड़ित है। कोई तन दुखी कोई मन दुखी, मन से तो हर व्यक्ति दुखी है 100% मानसिक कष्ट। छोटा बच्चा किस लिए दुखी है? पढ़ाई को लेके, कल को पास हो पाऊंगा नहीं हो पाऊंगा है, पढ़ाई को लेके टेंशन में। बड़े बच्चे जो है वो किस लिए टेंशन में? जॉब को लेके, कोर्स को लेके, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ने छोड़ दिया उनको लेके है, क्या होगा आगे कैसे करेंगे उनको लेके। बड़े लोग किसको लेके टेंशन में? नौकरी को लेके, कैसे करेंगे, कैसे घर चलाएंगे, कैसे चलेगा, सब कुछ होगा। पड़ोसियों ने दो गाड़ी ले ली, हमने तो एक भी नहीं ली, उनका तो एक दो मंजिला मकान हो गया, हमारे पास तो एक भी नहीं है। पड़ोसियों से कष्ट, ये क्या है? मानसिक कष्ट, सास बहू का कष्ट, ये सब क्या? मानसिक कष्ट। इससे हर कोई जूझ रहा है, कोई नहीं बचा हुआ, कोई तन दुखी कोई मन दुखी कोई धन बिना रहे दुदास, ये तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जिसके पास है वो भी रो रहा है, जिसके पास नहीं है वो भी रो रहा है। और थोड़े थोड़े सब दुखी और सुखी हरि के दास, ये कैसे भैया? वो क्या हरि के दास कहाँ रह रहे? वो इस जगत में नहीं रह रहे क्या जो सुखी है? ऐसा क्या कारण है? तो बताया गया वो हरि के जो दास है ना, कष्ट उन्हें ही मिलते हैं, लेकिन भगवान ना उन कष्टों को सहने के लिए शक्ति देता है। कैसे? एक रोड है, उस रोड में काफी सारे गड्ढे हैं, स्पीड ब्रेकर है। उस रोड में अगर ऑटो चलेगा, ऑटो चलेगा और स्पीड में चल रहा है ऑटो, तो क्या होगा? जो पीछे सवारी होगी ना वो हिल जाएगी, हो सकता है उसके सर में भी लग जाए ऑटो उछल के,
लेकिन उसी रोड में उसी स्पीड ब्रेकर में अगर कोई मर्सिडीज गाड़ी कोई महंगी गाड़ी नहीं मिलेगी ना जिसके अच्छे से शॉकर होंगे तो उसे कष्ट नहीं होगा बिल्कुल भी, उसे पता ही नहीं चलेगा, उसे लगेगा स्मूथ रोड है बिल्कुल, कोई गड्ढे ही नहीं है। तो उसी तरह जो भगवान के भक्त होते ना उन्हें कष्ट तो आते तो है लेकिन पता नहीं चलता, बड़े से बड़ा कष्ट ना छोटे में आगे टल जाता है, ये भगवान की भक्ति का फायदा। तो हम ऐसे क्या है जो हम इतनी भाग दौड़ में लगे हुए हैं सुख के लिए, एक छोटी सी कथा के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करता हूँ कि सुख क्या है, हम कैसे भाग रहे हैं सुख के लिए, क्या हमें मिलेगा, अगर मिलेगा तो कैसे मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो हमें क्या करना चाहिए। एक व्यक्ति नोएडा गई, बड़ा खुश, उसके मित्रों ने पूछा भाई क्या बात है आज बड़ा खुश नजर आ रहा है, कह रहा मेरी ना जो वाइफ है ना 10 दिन के लिए मायके गई है। तो दोस्तों ने कहा तो बहुत अच्छी बात है, आज तो पार्टी होनी चाहिए। उसने कहा हाँ शाम को पार्टी है, सब आना, सब दोस्त आए, खूब पार्टी हुई, नाचना गाना खाना पीना हुआ, खा रहे पी रहे, रात को काफ़ी टाइम हो गया, तभी अचानक फ़ोन बजा। उसने देखा बीवी का फोन है, चलो कोई बात नहीं, अलग कमरे में गया बात की, तो बीवी ने बताया कि बात ऐसी है कि तुम्हारा जो साला है ना मेरा छोटा भाई उसकी सगाई कहीं हो गई है और कल तुम्हें फटाफट आगरा पहुँचना है, कल सुबह जल्दी से जल्दी यहाँ पहुँचो तुम, सुबह मैंने ट्रेन देख ली है 6 बजे की ट्रेन है, तुम्हें 9-10 बजे तक यहाँ पहुँचा देगी, तुम फटाफट आगरा पहुँचो बस। अब लग गया क्या खुशियों में लग गया ग्रैंड, मुंह लटका के गया दोस्तों के पास, दोस्तों ने पूछा क्या हुआ, तो दोस्तों को बताया भी ऐसी ऐसी बात हो गई, दोस्तों को भी बड़ा दुख हुआ, ये तो खुशी 2 मिनट की आएगी चलाते ही चलेगी, अब क्या करें। तो दोस्तों ने कहा एक काम करो, हम ना तुम्हारी ऑनलाइन टिकट बुक करा देते हैं और सुबह तुम्हें रेलवे स्टेशन छोड़ देंगे। इंटरनेट पर देखा तो सारी ट्रेन जो है फुल, कोई ट्रेनिंग कोई टिकटिंग, तो एक मित्र ने कहा एक काम करो सुबह हम जाएंगे और 1 घंटा पहले चले जाएंगे और वहाँ तत्काल टिकट ले लेंगे, वो हमें आसानी से मिल जाएगी। तो चलो ठीक है, अभी सुबह बात हुई, रात भर ऐसी परेशान रहे और सुबह जल्दी जल्दी निकल पड़े, जल्दीबाजी में निकले। तो मित्र ने कहा भैया आपने सारे डॉक्यूमेंट ले लिए सब कुछ, कागज वागज पैसे वैसे? उसने कहा, उसने कहा कोई आईडी प्रूफ रखा है? उसने कहा नहीं। उसने घर को, मैं सफर में जा रहा हूँ तो कम से कम पैसे और हमारे पास एक आईडी प्रूफ तो होना जरूरी है, और ट्रेन में जाऊँगा टिकट पूछेगा कौन हो क्या हो तो एक हमारे पास आधार कार्ड होना जरूरी है। तो मित्र के कहने पे उसने एक आईडी प्रूफ भी रख लिया अपने साथ और वो चले गए। चलते चलते थोड़ा लेट हो गए, देखा काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है। अब लाइन लगी हुई थी, लाइन में लगे जब तक नंबर आया तो पहुंचे तो पता चला टिकट खत्म, टिकट खत्म। अब क्या करें भाई, और उसको डर लग रहा है, बीवी ने बोला आना है तो आना है, अब क्या करें। तो मित्र ने कहा काम करो बाहर निजामुद्दीन बस अड्डा है वहां से हम बस ले लेते हैं, बस से पहुंच जाएंगे कोई बात नहीं। तो चलो ठीक है, वहां गए तो बस स्टैंड में पहुंचे तो पता चला बस वाले की हड़ताल है आज, वो आगे फरीदाबाद में जाम लगा हुआ है, बस आगे नहीं जा सकती, अब क्या करें भाई। तो अभी किसी ने बताया तुम एक काम करो टीटी से सेटिंग कर लो, टीटी को पैसा एक्स्ट्रा दो और वो तुम्हें आगरा पहुंचा देगा। उन्होंने कहा चलो ठीक है भाई ये कर लेते हैं। वो गए टीटी के पास, काफ़ी रिक्वेस्ट की, उसे 2-3 गुना पैसा दिया, टीटी भी खुश हो गया भैया कोई बात नहीं, उसने टिकट बना दिया। तो फाइनली टिकट मिल गई, वो आदमी खुश हो गया दोबारा। कुछ बात पता चला टिकट ट्रेन लेट है, थोड़ी देर लेट है, बैठा रहा रेलवे स्टेशन में, ट्रेन आई, ट्रेन को देख के उसके जान में जान आई, फटाफट गया अपनी बोगी में चढ़ गया और अपनी सीट नंबर देखने लगा। जैसी सीट के पास पहुंचा उसने देखा उसकी सीट है, उसने देखा टिकट पे उसकी सीट पे तो एक दबंग व्यक्ति काफी हट्टा कट्टा और ड्रिंक किए हुए आदमी लेटा हुआ है। अब उसकी हिम्मत नहीं उसे उठाए कि भाई साहब उठा मेरी सीट है क्या बोलो। उसने कहा चलो कोई बात नहीं थोड़ा वेट कर ले, तो क्या पता अगले 1-2 स्टेशन में उतर जाए। वो खड़ा रहा हुआ, 1 स्टेशन आया 2 स्टेशन आया वो खड़ा ही रहा। अब उसके पैर में दर्द हो रहा है, सुबह से निकला हुआ है, कुछ खाया नहीं पिया नहीं। तो उसने हिम्मत की थोड़ा और उसके पास गया, भाई साहब ये उठो ये मेरी सीट है। उसने कहा भागो ऐसे सोने दो मुझे, अगर दोबारा पैसा आएंगे तो तुम्हें पीटूंगा मैं। अब वो डर गया व्यक्ति क्या करें। तो पड़ोस में एक फैमिली बैठी हुई थी, उन्होंने देखा ये तो आदमी ऐसे कर रहा है, उसके साथ बड़ा दुर्व्यवहार कर रहा है। उन्होंने कहा भाई साहब एक काम करो थोड़ी देर हमारी सीट में बैठ जाओ। तो वो पूरी फैमिली बैठी हुई थी, थोड़ी सी जगह में वो भी बैठ गया, उसे नींद आ रही थी, वो सोच रहा था मैं जाके सीट पर जाके आराम से सो जाऊंगा है सीट का सुख, वो सोच के बैठा था कि मैं सीट में आराम से सो जाऊंगा और आराम से नींद पूरी करके जाऊंगा। अब वो परिवार वाले तो कुछ खा पी रहे थे, उन्होंने थोड़ा नमकीन बिस्कुट उसे खिला दिया, थोड़ा उसको भूख भी लगी थी, अब क्या करें। उन्होंने कहा फिक्र मत करो आगे टीटी आएगा तो इसे उठा देंगे। उन्होंने कहा ठीक है हाँ ये सही कह रहे हो, अब टीटी आएगा तो टिकट तो चेक करेगी। अब थोड़ी देर बाद टीटी आ गया, सबकी टिकट चेक की, तो उस व्यक्ति ने बोला कि टीटी को बोला नहीं मेरी सीट है और ये आदमी लेटा हुआ है। टीटी ने कहा यार तो तुम्हारी सीट है। टीटी ने उस व्यक्ति को उठाओ
तो दबंग बैठी था, टीटी भी थोड़ा डरा हुआ था कि नहीं ऐसे कैसे बोले, पी रखी है इसने, तो टीटी से भी लड़ पड़ा कि भाग ऐसे, मैं नहीं दिखा रहा टिकट विकट, जो करना है कर ले। टीटी को भी गुस्सा आ गया, टीटी ने कहा आप एक काम करो, आप अभी यहीं बैठो, मैं आगे जाके फोन करता हूँ, आगे जाके रेलवे पुलिस या जो रेलवे गार्ड होंगे वो उनको बुला के लाता हूँ, मैं इसे मैं उतारता हूँ, जाओ आप तब तक ऐसे ही रहो। अब व्यक्ति जो ऐसे बैठा रहा, आप क्या करें। काफ़ी देर बाद, दो तीन स्टेशन बाद रेलवे पुलिस चली, वो आए, काफ़ी झगड़ा हुआ रेल में, उस व्यक्ति ने काफ़ी झगड़ा किया, बड़ी मुश्किल से उसको मारा पीटा, धक्का दे देंगे और रेल से बाहर, ट्रेन से बाहर निकाल दिया, जैसे ही स्टेशन आया उसको ट्रेन से बाहर निकाल दिया। अब व्यक्ति को बड़ा अच्छा अनुभव हुआ कि चलो फाइनली मुझे सीट मिल गई। उसने अपना बैग उठाया, सीट में रखा, उसने कहा थोड़ी कमर सीधी करता हूँ, तो सामने जो परिवार वाले लोग थे, ट्रेन हल्के लिए चलने लगे, तो सामने वाले लोगों को भी अच्छा लगा कि चलो इसे सीट मिल गई। उन्होंने पूछा भाई साहब आपको जाना कहाँ है, तो उन्होंने कहा भाई मुझे ना आगरा जाना है, तो उन्होंने कहा अरे आगरा, ये तो आगरा का स्टैंड है, उतरो जल्दी ट्रेन तो चल रही है। उसने आगरा, उसने देखा खिड़की से बाहर तो लिखा आगरा, वो फटाफट उसने अपना बैग पकड़ा, कूद गया ट्रेन से, है उसने कहा तो बिल्कुल भी आराम नहीं मिला, ट्रेन से कूदा और नीचे उतरने लगा रेलवे स्टेशन से कि मैं जल्दी जल्दी पहुंचूंगा, लेट हो गया हूँ काफ़ी। तो जो व्यक्ति था जिसको उतारा था ना, वो भी उसी स्टेशन पर उतरा था, उसने देखा ये तो वही आदमी है, ये तो ना तो खुद बैठा इसने ना मुझे बैठने दिया, इसे बताता हूँ मैं, रुक जाऊँ। वो जैसे ही उतरा स्टेशन से बाहर, उसने उसे पकड़ा और पिटाई कर दी उसकी, खूब पीटा, उसके पैसे भी छीन लिए, फोन वोन सारा सामान छीन लिया और उसे मारा अलग, मार मार के अधमरा करके छोड़ दिया, अधमरा करके छोड़ दिया उसे। अब वो लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं कौन है क्या पड़ा है, तो उसकी जेब भी चेक की भी है, कौन है भी उस पड़ा, देखा उस पर उसका आधार कार्ड था, तो पता लगाया भी आजकल आधार कार्ड जो लिंक होता है सब जगह, तो पता लगाइए ये तो आदमी नोएडा में रहता है, इसकी फैमिली उमली का पता लगाया उन्होंने, उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया, उसके घर वालों को बुलाया, घर वाले आए उसे ले गए। कितनी दुख की बात है ना, अगर किसी को बताओगे किसी के साथ ऐसा हुआ तो तुम कहोगे हाँ यार कितना बड़ा दुख हुआ उसका, कितना गलत हुआ। तो ये किसके साथ हो रहा है, ये हम लोगों के साथ ही हो रहा है, ये किसी व्यक्ति के साथ नहीं हो रहा। कैसे हो रहा है मैं बताता हूँ आपको, देखो हर व्यक्ति भागा दौड़ी में लगा सुख के लिए, उसका सुख क्या है उस समय, सीट। हम लोगों का सुख कुछ भी हो सकता है, घर बार प्रॉपर्टी कुछ भी हो सकता है, उसका सुख क्या है, सीट, मुझे सीट चाहिए। जिस सीट को पाने के लिए उसने चार गुना पैसा एक्स्ट्रा दिया, सुबह उठा, भागो दौड़ी मचाई है, लड़ाई की, झगड़ा किया, उतना वेट किया, अंत में उसे सीट मिली हो, नहीं मिली, मिली और छिन गई। लेकिन जब उसे पता चला उसका स्टैंड आ गया, उसने उस सीट को पलट के नहीं देखा, ये मेरी सीट थी, देखा पलट के, नहीं कोई देखता पलट के, जब उसे पता चलता उसका स्टैंड आ गया, सीट को देखता यार मेरी बढ़िया सीट थी, तो बहुत बढ़िया थी, उसने मेरा पूरा साथ दिया, कोई देखता है, नहीं। जैसे उसे पता चलता उसका स्टैंड आ गया, वो भाड़ में गई सीट उतरो, तो सीट क्या थी, वो जो हम सोच रहे आजकल लोग हमें मिलेगा, क्या है वो सीट, क्या है वो सीट, क्या थी, सुख, जिसको ढूंढ रहा था सुख, लेकिन उसे मिला ही नहीं। और जो परिवार वाले जो लोग बैठे थे जिन्होंने उसे थोड़ी देर पूछा वो कौन था, वो कहता परिवार वाले, हम लोगों के परिवार वाले, वो उन लोगों को भी धन्यवाद नहीं कर पाए कि आपने मुझे खिलाया पिलाया या आपने मुझे बताया कहाँ क्या करना है, वो उनका भी शुक्रिया अदा नहीं कर पाया। तो जब आदमी का स्टेशन आता है ना, आदमी कुछ नहीं कर पाता, और हम सब जो यहाँ लोग बैठे हुए ना, हम सबका एक दिन स्टेशन आएगा, सबका स्टेशन आएगा एक दिन, और ऐसे ही हमें उतरना पड़ेगा। सारी सुख सुविधाएं ना ऐसे छोड़ के जाएंगे, पीछे मुड़ के भी नहीं देखेंगे कि क्या था मेरा क्या नहीं था, ना हमें एक मिनट का टाइम मिलेगा अपने घर वालों से मिलने के लिए कि धन्यवाद आपने मुझे खिलाया पिलाया, एक मिनट का टाइम नहीं मिलेगा। हैं कहते हैं सारी जिंदगी बीत गई कमाने, चंद सिक्के कमाने में, लेकिन मौत का फरिश्ता रिश्वत नहीं लेता, मतलब सारी जिंदगी चली गई सुख को पाने में, लेकिन जो मौत का फरिश्ता है यमराज वो रिश्वत नहीं लेता, वो ये नहीं देखेगा तुमने कितना कमाया, वो बोलेगा भैया नहीं मैंने करोड़ों रुपए कमाए, एक मिनट लो थोड़ा लो मैं अपने परिवार वालों से मिल के आ रहा हूँ, नहीं टाइम हो गया तो टाइम हो गया चलो स्टेशन आ गया उतरो, नहीं उतरोगे तो उतार दिए जाओगे। और ट्रेन क्या है, वो हमारा शरीर, एक आ रही है दूसरी जा रही है, एक आ रही है दूसरी जा रही है। ट्रेन को हम देखते हैं पलट के, किस ट्रेन में हम आए थे, याद रखते हैं आज तक हमने इतनी जगह गए, कौन कौन सी ट्रेन में गए हम, ये हमें याद है हम उस ट्रेन में गए थे, नहीं एक गई तो गई, पीछे पलट के भी नहीं देखते। ट्रेन क्या है, हमारा शरीर,
सीट क्या है सुख, वो परिवार वाले कहते हैं हमारे परिवार वाले, और जैसे स्टैंड आएगा ना हमारा स्टेशन आएगा उतरना पड़ेगा ही पड़ेगा। वो व्यक्ति जिसकी पिटाई हुई, किसने पिटाई की हो उसके कर्म, कर्म कर्म किसी को नहीं छोड़ते। तो ऐसा क्या करें भैया कि हमारी पिटाई भी ना हो, हमारे कर्म भी हमें परेशान ना करें। लेकिन उस व्यक्ति ने एक छोटा सा अच्छा काम किया था, उसके दोस्त ने उसे बोला था कि अपना अपने पास एक आईडी प्रूफ रखो, नाम आधार कार्ड, क्या रखा था नाम आधार कार्ड। वो उसके काम आया, क्या काम आया, लोगों को पता चला भी इसका नाम ये है, ये यहाँ रहता है, इसकी बैंक डिटेल ये है। उन्होंने उसे लिंक करके पता लगाया, आप जैसे एटीएम अपने आधार कार्ड से अपनी ये मेडिकल फैसिलिटी ले सकते हो, यहाँ तक कि आप पैसे भी निकाल सकते हो आधार कार्ड से। तो आधार कार्ड क्या है, नाम आधार कार्ड क्या है, यह भगवान का नाम, कलयुग केवल नाम आधारा सुमरी सुमरी न उतर ही पारा। ये नाम के आधार कार्ड क्या है, भगवान का नाम। अंत में क्या काम आया उसके, वही नाम। पैसे काम आए, पैसे तो छीन गए। अभी आप, मैं आपको इंडिया के पैसे लेके बोलूं कि आप दूसरे देश में जाओ वहां से कुछ खरीद के लाओ, आपको 2000 का नोट दूंगा और वहां से बोलूंगा एक टॉफी खरीद के ले आओ, वहां पर टॉफी भी नहीं देंगे 2000 रुपए की, कहेंगे भैया क्या लिया है, किसकी फोटो बनी है, चश्मा बनी है, वापस ले जाओ, क्यों चले गए नहीं हो, इस जगह इस इंडिया का नोट यही नहीं चल रहा तो दूसरे देश में क्या चलेगा है? हम क्या कमा रहे हैं यहाँ नोट, लेकिन वहां क्या जाएगा, नाम। नाम ही रूप ऐसा एक धन है जो हमारे साथ अंतिम तक जाएगा, वो हमारे साथ काम आएगा, हमारे सफर में काम आएगा, वो एक नाम ही है। लेकिन हमारे क्या है, सुख के पीछे हम भाग रहे भाग रहे भाग रहे। एक छोटी सी कथा मैंने कभी कुछ दिन पहले सुनी थी, एक व्यक्ति था सेठ, उसको लोग बोलते थे भजन कर भगवान का नाम कर थोड़ा, कहता था नहीं मेरे पास समय नहीं है। सब लोगों का एक ही वो रहता है कि मेरे पास समय नहीं है। वो व्यक्ति इतना परिश्रम करता था, इतना परिश्रम करता था, रोज सुबह 3:30-4 बजे उठ जाता था, अपना बिजनेस करता था, नौकरी करता था, इधर वहां काम, इधर काम, उधर मीटिंग, ये मीटिंग, खाने पीने की फुर्सत नहीं। इतनी मेहनत करके उसने करोड़ों का बंगला गाड़ी वाड़ी सब कुछ खरीद लिया, पूरे ऐशो आराम सब कुछ ले लिया। दो दो तीन तीन दिन तक बाहर है बिजनेस की डील में, ये वो पैसा कमा रहा खूब, घर में नौकर चाकर रखे हुए। लेकिन हुआ क्या, एक दिन वो मर गया, पैसा कमाने के बाद मर गया। अब जो उसकी वाइफ थी ना वो सुंदर थी काफी, और जो उनके घर में एक नौकर था वो भी बड़ा सुंदर था, तो उसकी पत्नी ने क्या करा, उसी नौकर से शादी कर ली कि घर में तो यही रहता है मेरे साथ, तो है यही मुझे देखता है, यही मेरी फिक्र करता है। तो उसने क्या करा, नौकर से शादी कर ली। तो एक बार नौकरों से उसके दोस्त नौकरों ने पूछा, यार तेरा सेठ तो बड़ा सही था, है तो कह रहा वो मेरे सेठ के बारे में कोई कुछ नहीं बोलेगा। अरे क्यों, यार मेरा सेठ था ना बहुत अच्छा था, उसने जिंदगी भर मेहनत की इसके लिए कि मेरे लिए की, जिंदगी भर पैसा कमाया इसके लिए मेरे लिए कमाया, है मैं उसका नौकर नहीं था, सेठ मेरा नौकर था। सेठ कौन था, मेरा नौकर था, मैं सेठ का नौकर नहीं था, मैं सेठ के बारे में नहीं सुनूंगा। तो हम लोग भी क्या कर रहे हैं, कमा रहे किसके लिए कमा रहे नहीं पता है, इसके लिए कमा रहे यही नहीं पता, भागा दौड़ी। पर असली में वास्तव में हमें क्या करना चाहिए, क्या कमाना चाहिए, नाम रूपी धन, नाम रूपी धन। नारद जी ने भगवान से पूछा कि भगवान जो कलयुग के जो जीव है ना, इनकी बुद्धि नहीं है, इन लोगों को समझ ही नहीं आता, इनकी आयु भी नहीं है, ये क्या करेंगे, इनका कैसे कल्याण होगा। तो भगवान बताते हैं कि हरे नाम केवलम कलो नास्ते नास्ते गति अन्यथा, भगवान के नाम के अलावा मनुष्य की कोई गति नहीं है, नहीं है, नहीं है, श्री हरि नाम। यहाँ तक कि चैतन्य महाप्रभु इस कलयुग में आए, वो भी ये बताए, नाम नाम करी बहुधा निज सर्वशक्ति स्तर्पिता नियमित स्मरण काले एतादशी तम कृपा भगवान अपि दुर्देश में जानी अनुरागा। भगवान ने अपनी सारी शक्ति अपने नाम में रख दी है, कलयुग के जीवों के लिए, हम जैसे लोगों के लिए नाम में रख दी है। ठीक है, नाम करना कितना सुलभ है, कोई उसका वो नहीं है कि कभी भी करो, नहाए करो, बिना नहाए करो, कोई नियम नहीं। जब देखो उसका एक छोटा सा नाम का आधार कार्ड उसका काम बन गया, तो हम भगवान का नाम लेंगे तो हमारा कल्याण नहीं होगा है, भगवान का नाम लेने से हमारा कल्याण नहीं होगा। ये भगवान स्वयं कह रहे हैं, अगर भगवान की बात में विश्वास नहीं तो फिर किसी की बात में विश्वास नहीं। अगर वास्तव में सुखी रहना है और वास्तव में भगवान के धाम जाना है, वास्तव में हमें सुखी रहना है, तो एक ही चीज करनी होगी, क्या करना होगा, हरि नाम, भगवान का नाम। एक बार हाथ उठा कर बोलो, हरे कृष्णा 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 हरे 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 अतुल प्रभु जी रहे, नेता जी के आ जाओ, ये नाम आपके खाते में जुड़ गया, खाते में जुड़ गया। ठीक है, आप सब लोग बहुत भाग्यशाली हो कि महाराज यहाँ आए हुए,
अभी हम या संडे तक आए महाराज जी, तो कहते हैं नाम लेने की एक प्रोसेस है, जैसे आप घर में वॉशिंग मशीन में कपड़े धोगे ना, उसका भी प्रोसेस है कि पहले सर्फ डालना है, फिर पानी डालना है, फिर कपड़े डालने हैं, टीवी चलाओगे उसका भी प्रोसेस है, रिमोट से पहले ऑन करना है, फिर बटन दबाना है, हर चीज़ का प्रोसेस है, रोटी बनाने का प्रोसेस है, आटा गूंदना है, कैसे तवे में रखना है, हर चीज़ का प्रोसेस है। तो भगवान के नाम लेने का भी प्रोसेस है, क्या है, सदगुरु से नाम ग्रहण करना है। तो सदगुरु हम लोगों के बीच में है, महाराज जी आए हुए हैं, तो उनके द्वारा हम नाम ले सकते हैं। महाराज जी से आप लाइए, हरि नाम लीजिए और भगवान का नाम कीजिए, तभी हमारा कल्याण होगा। बस इतना बोल के मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। वंशा गति की हरे अतुल प्रभु जी हैं, अतुल प्रभु जी आगे आगे कहाँ हैं, हरे कृष्ण, सब लोग बोलिए मेरे साथ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलते ही मैं, मेरी आवाज ज्यादा आ रही है माइक से, आप लोग को इतने सारे हो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब आई ना आवाज, पिछली बार नहीं आई। तो अभी देखो प्रभु जी ने कितनी अच्छी कथा सुनाई आपको, है ये भी है, हमारी तरह आप ही लोगों की तरह है, रस है, अपना काम भी करते हैं और कैसे देखो भगवान की इतनी अच्छी अच्छी बातें महाराज जी से सीखी हैं और फिर आप अपने जीवन में करते भी हैं और फिर आप हम लोगों को सिखाने का प्रयास भी करते हैं। तो हम सभी लोगों को भी प्रयास करना चाहिए कि महाराज जी जैसे बीच बीच में हम लोग कहते हैं ना कि मैं सुनूंगा, मैं पूछूंगा, ध्यान देंगे सुनो, तो हम लोग भी इस कथा को सुने और सुन के फिर उसके बाद गुने अपने मन में ले जाएं और क्या सीखा उसमें से। ऐसा नहीं है कि तीन घंटे की सारी कथा हमें याद हो जाएगी तो सातों दिन की याद हो जाएगी, पर तीन बात भी याद हो और उसको फिर हम जीवन में पालन करें तो निश्चित रूप से परिवर्तन लाएगी और लाभ देगी, ठीक है, इस जन्म में भी और आगे आगे भी बहुत लाभ देगी। दो चार बातें मुझे बताने के लिए कहा गया है, एक तो ये कि बाहर जो है बहुत सारे बिजली के तार टैंक की व्यवस्था के लिए लगाए हुए हैं, तो जो भी बच्चों के साथ आए हैं, स्पेशली छोटे बच्चों के साथ आए हैं, हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, आप बिल्कुल अन्यथा ना लें कि हम कुछ कह रहे हैं, लेकिन ये आपके बच्चों के हित में ही है, आप उन्हें समझाएं कि जिस प्रकार के वो खेल खेल रहे हैं किसी के साथ कोई दुर्घटना ना हो, ठीक। आप सभी अपने जो बच्चों को लाए हैं और ख़ास तौर से जो बच्चे 8 साल 7 साल 11 साल 12 साल तक के हैं, वो बच्चे जो बाहर उधम उतार रहे हैं वो कम से कम बिजली के तारों से तो दूर रहें, हैं, हम लोग समझाते हैं उन्हें, परंतु माता पिता और संबंधियों के कहने से वो जल्दी समझ लेंगे। तो एक तो ये हमारी आपसे प्रार्थना है। दूसरा, जन्माष्टमी के बारे में आप लोगों को क्लियर है जन्माष्टमी कब है, कितने लोगों को पता है जन्माष्टमी कब है, बहुत अच्छा, सबको पता है। तो हम लोग जो जन्माष्टमी है वो 23 तारीख को मनाएंगे, ठीक है, 23 तारीख, आज क्या है 20 तारीख, 21 22 दो दिन छोड़ के और आज से तीसरे दिन जन्माष्टमी का कार्यक्रम होगा यहाँ पर, ठीक, शुक्रवार का दिन होगा और शाम को 6 बजे से लेके और दोपहर रात को 12 बजे तक, ठीक, यहाँ पे कथा होगी, थोड़ी थोड़ी झांकी होंगी, सुंदर सुंदर कीर्तन सुनाए जाएंगे और फिर भगवान का अभिषेक होगा और उसके बाद व्रत का प्रसाद वितरण होगा, ठीक। आप लोग बाहर भी देख रहे होंगे जो स्मार्ट हैं या और अन्य लोग हैं वो 24 तारीख को भी कर रहे हैं कांची, ठीक है, लेकिन हम लोग करेंगे 23 तारीख को। उसका मैं थोड़ा सा कारण समझा दूं आपको कि जो शास्त्रों में बताई गई है ना तिथियों की गणना, वो बताई गई है सूर्य सिद्धांत के अनुसार, और जो मॉडर्न साइंस है, जो आजकल की साइंस है, वो करती है गणना दृक् सिद्धांत के अनुसार। दृक् सिद्धांत में क्या होता है कि हर 72 साल में 1 डिग्री जोड़ना पड़ता है, ठीक है, ये प्रॉब्लम इसलिए आती है क्योंकि सूर्य की गणना अगर हम सूर्य सिद्धांत से करें या और दृक् सिद्धांत से करें तो थोड़ा डिफरेंस आता है। ये जो अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनी है ना नासा, उसने भी चेक करके देखा कि हाँ गड़बड़ होती है, तो फिर वो उसके लिए क्या करते हैं, 1 डिग्री जोड़ देते हैं हर 72 साल बाद, ठीक है। तो अगर ये जोड़ना बार बार चलता रहेगा तो 11,000 साल बाद, अभी तो 2000 साल ही चल रहा है ना, 2019, 11,000 साल बाद बिल्कुल 180 डिग्री उल्टा हो जाएगा, जो अभी कार्तिक आ रहे हैं वो तभी और किसी समय आएगा, ठीक है। इसलिए हम लोग वो सिद्धांत नहीं मानते, हम लोग कौन सा मानते हैं,
जो शास्त्रों में बताया है, जो महाप्रभु ने बताया है, सूर्य सिद्धांत। और सूर्य सिद्धांत के अनुसार जो इस बार अष्टमी है वो 3 बजे से है, 3:02-3:04 से शुरू होगी और अगले दिन रात को 24 तारीख की रात तक 3 बजे तक है, ठीक है। तो सूर्य सिद्धांत में होता है जो सूर्योदय के समय तिथि है उसके अनुसार हम मनाते हैं। दूसरी इस बार अच्छी बात यह है कि जो भगवान का जन्म हुआ था वो रोहिणी नक्षत्र में हुआ था, और इस बार जो रोहिणी नक्षत्र है वो 11:54 से लग रहा है, 12 बजे से जस्ट 6 मिनट पहले। तो हम जब अभिषेक करेंगे 12 बजे तब रोहिणी नक्षत्र भी होगा, तो इसलिए हम लोग 23 तारीख को मनाएंगे, ठीक है। तो जन्माष्टमी के दिन जो है वो सेवा का बहुत अच्छा अवसर होता है। वो ये होता है कि भगवान का यहाँ 56 भोग लगता है। 56 भोग कैसे लगता है कि आप सभी लोग, जो भी लोग भगवान की सेवा करना चाहते हैं उस दिन, अपने घर से कुछ भी बनाकर लाएं, कुछ भी, नमक का मीठा, खीर, हलवा, पूरी, जवे, इसके जैसे अभाव हो। नियम एक ही है कि भगवान के लिए प्रेम, भक्ति और बिना ब्याज लहसुन का, बस नियम यही है, ठीक है। वो आप यहाँ लाइए, उस दिन भगवान को भोग लगेगा। अन्न है इसलिए उसका प्रसाद के रूप में उस दिन वितरण नहीं होगा, ठीक है। भगवान को व्रत में भी भोग लग सकता है अन्न का, लेकिन हम लोग व्रत का ही प्रसाद लेंगे भगवान के भोग के पश्चात। वो जो आप लोग लाएंगे वो अगले दिन दोबारा से सब लोगों का मिक्स करके बाहर प्रसाद के रूप में बटेगा। तो ये सेवा का बहुत सुंदर अवसर है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं। जिसकी जैसी सामर्थ्य हो, कोई फल लाना चाहे, मिठाई लाना चाहे, घर से बना के लाना चाहे, टॉफी लाना चाहे, और कुछ भी नहीं ला सकते हैं तो भगवान के लिए पुष्प ला सकते हैं, और भी कुछ नहीं तो 1 तुलसा दल ला सकते हैं, और भी कुछ नहीं तो अपने आप को शुद्ध मन से उस दिन भगवान को समर्पित करने के लिए। हमारे गुरु जी कहते थे कि क्या मुझे चाहिए। गुरु जी को सब लोग चाहते हैं ना कि हम भी अपने गुरु जी को दें, तो गुरु जी कहते थे कि केवल अपना मन दो मुझे, मन, वो जो मन है उसको मैं साफ करके, सफाई करके उसमें ऐसा बना दूंगा कि जिसमें ठाकुर जी विराजमान हो सके। तो और कुछ नहीं, तो कम से कम उस दिन जरूर आइए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों, संबंधियों को, मित्रों को देखकर आइए, ठीक है। उस दिन कथा भी लंबी होगी, कीर्तन भी होगा, कोशिश करेंगे कुछ झांकियाँ वगैरह हों, लेकिन देखते हैं अभी कार्यक्रम किस प्रकार से होगा। है भगवान का यहाँ पे बैलून से डेकोरेशन होगा, फूलों से होगा। इसके अलावा आपने बाहर देखा होगा एक हमने बुक स्टॉल लगाया है, तो ये बुक स्टॉल कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है। आप समझ रहे हो कि किताबें तो मिल ही जाती हैं, प्रवचन की कहीं भी भागवत हो रही होती है सबके बाहर लगे होते हैं। आजकल इतने बाबा जी का वगैरह का उसको आता रहता है ना टीवी का प्रोग्राम, वहाँ हर जगह लगी रहती है। ये साधारण ग्रंथ नहीं है, ये हमारे गुरु जी का हृदय की वाणी है। वो चाहते थे कि जब वो थे, हैं, अभी भी हैं, वो इन्हीं ग्रंथ के माध्यम से हैं, ठीक है। तो ये ग्रंथ जो है गुरु जी के उपदेश हैं, साक्षात गुरु जी हैं। तो मेरी आप लोगों से प्रार्थना है कि इस सेवा में सहयोग दें, कम से कम एक ग्रंथ कोशिश कीजिए जरूर लेके जाएं। उसमें हर तरह का ग्रंथ है, बहुत पतले से लेके और बहुत मोटे तक, जिसकी जैसी भावना हो, ठीक। और कुछ भी नहीं तो कम से कम एक बार ग्रंथ को देखने ही जाएं, उसको पलट के देखिए। इसकी इतनी महिमा है कि जरूर आपके जीवन में परिवर्तन लाएगा, जरूर आपको लाभ पहुंचाएगा। देखो ग्रंथ की एक महिमा सुनाता हूं, ये अमेरिका का आते हैं, जैसे गीता जयंती आती है ना, कुछ इस्कॉन का भक्त वो गीता बेच रहे थे। एक व्यक्ति प्लेन से उतरा तो वो गीता बेच रहे, बोले भैया गीता लो, बोले बेकार चीज है इतिहास है। लेकिन वो लोग 7-8 लाइन करके खड़े हुए थे और इनको पास, बोले सब तो गीता पिता क्या है। लेकिन उसने देखा 7-8 लोग ही लंबे करके खड़े हुए, उसने कहा ठीक है $1-2 लेकर के एक गीता ले लिया। उसने देखा तो बेकार चीज है, कोई क्योंकि काम का नहीं है, विश्व बेकार है, उसको ड्रम रख लिया। वो व्यक्ति एक दिन इतने डिप्रेशन में आ गया, वो सोचा आज मैं सुइसाइड करूंगा, और सुइसाइड करने के लिए बैठा। अभी जिस ड्रम में वो गीता था ना उसमें उठा बंदूक, उसने ड्रम को खोला, जब उसने बंदूक को पकड़ने गया वो बंदूक नहीं आकर के उसका हाथ में आ गया गीता।
उसने देखा ये गीता मैंने कभी लिया था, एक बार खोला देखता हूँ क्या, देखो क्या भाग्य है। जब उसने गीता को खोला, कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं, हे अर्जुन हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। जैसे कोई वस्त्र पुराना होने पर हम उसको छोड़ करके एक नए वस्त्र धारण करते, उसी तरह ये आत्मा नित्य शाश्वत अजर अमर, ये आंख से जलती नहीं, अस्त्र से काट नहीं सकते हो, ये पानी से भीगती नहीं, ये नित्य आत्मा है। इसलिए हे अर्जुन अगर तुम जीवन में शांति और सुख पाना चाहते हो तुम क्या करो, तुम ये मेरे को प्रेम करो, मेरे को भक्ति करो, तभी जीवन में शांति मिलेगा। तब उन्होंने एक उदाहरण देकर समझाए, जैसे कि पिंजरा है, उसका अंदर में एक तोता है, अगर आप तोते को खाना मत खिलाओ, अगर पिंजरा को अगर जिंदगी भर अगर पेंटिंग करते रहो, बताओ वो तोता जिंदा रहेगा कि नहीं, नहीं रहेगा। कृष्ण समझाते हैं उसी तरह हम ये शरीर नहीं, ये शरीर एक पिंजरा है, हम ये आत्मा है। लेकिन अगर तुम शांति पाना चाहते हो, सुख पाना चाहते हो, ये जो आत्मा का जो आहार है भगवान की भक्ति, भगवान का प्रेम, तो भगवान से प्रेम जुड़ो जुड़ो, तभी जीवन में शांति मिलेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, ये शरीर को खिलाते हैं पिलाते हैं, इसको ब्यूटी पार्लर में ले जाएंगे, इसको सजाते हैं, लेकिन उसका अंदर में जो एक तोता बैठा हुआ ना, उस तोते के प्रति कोई ध्यान नहीं। जो उन्होंने इस बात को सुना, कभी जिंदगी में सुना ही नहीं इस बात को। तब कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन जब तक तुम मेरे शरण में नहीं आते हो, तब तक परम शांति परम सुख नहीं मिलेगा। केवल शरीर को खिलाने पिलाने पर शांति नहीं मिलेगी। इसलिए दो तरह का सुख है, एक तो फिजिकली सुख और एक है स्पिरिचुअल सुख है, आनंद है। कि जो फिजिकली मतलब शरीर संबंधी और जो आनंद है, वो हर समय ये आनंद घटती है, ये आनंद कभी बढ़ती नहीं। लेकिन जो भक्ति का आनंद कभी घटेगी नहीं, ये भक्ति का आनंद हर समय बढ़ती रहती है, हर समय बढ़ती रहती है। ये शरीर का आनंद, जैसे पहले शादी हो, पहले हम क्या सोचते हैं, पत्नी को क्या सोचते हैं, ये पहले ये चंद्रमुखी, बोले एक चंद्र तो आकाश में, एक चंद्रमा मेरे पास है, कुछ दिन बाद में देखना वही चंद्रमुखी हो जाती है सूरजमुखी, फिर बाद में ज्वालामुखी, फिर तो लड़ाई झगड़ा। इस जगह पर कोई भी आनंद अगर देखोगे, बेटा नहीं बेटा नहीं, बेटा हो गया खूब सुखी, बाद में बात नहीं सुनता है। इसलिए कृष्ण समझा रहे हैं अर्जुन, अगर तू परम शांति सुख बनना चाहते हो, जब तक मेरे पास में नहीं आओगे, ये दुनिया की सारे संपत्ति इकट्ठे करने पर भी मिले। वो व्यक्ति सुइसाइड करने जा रहा था, वो सुइसाइड क्या करेगा, रात भर उसने गीता को पढ़ा, उसने सुइसाइड नहीं किया। बोले भैया ये बात मैंने कभी सुनी नहीं बात को। फिर उन्होंने देखा इसमें कोई एड्रेस है, उसमें फोन नंबर था, उसने फोन किया था, उनको एक ब्रांच था, शाखा था अमेरिका में, सवेरे सवेरे एकदम गया, सोया नहीं रात भर, सवेरे सवेरे गया। बोले आपका ये गीता मैंने पढ़ा, ये गीता यहीं के? बोले हाँ। फिर तो उन्होंने बताया जीवन में हम कितने दुखी, मैं तो डिप्रेशन में, मैं तो सुइसाइड करने जा रहा था, आपने ये गीता मेरे को जान दे दिया। फिर उन्होंने बहुत कुछ क्वेश्चन आंसर किया है, क्वेश्चन किया, उन्होंने एकदम यथाजथ उसको आंसर मिला। गीता ऐसे के ग्रंथ है, ऐसे कोई आंसर नहीं जिसमें उसमें है ही नहीं, हर तरह का दुख का समाधान ये गीता ग्रंथ में। उसने सुइसाइड करना छोड़ दिया, उसने संत बने, अभी भी वो संत हैं, अभी वो अमेरिका के विदेश का है, अभी उसने जैसे हम ड्रेस पहने हैं ना, उसने इस ड्रेस को पहन करके पृथ्वी में सर्वत्र ये गीता को प्रचार करता है। बोले ये गीता के, बोले एक बार मैंने गीता को एक श्लोक पढ़ लिया, ये मेरे को जान दे दिया, प्राण दे दिया। इसलिए ये अद्भुत ये ग्रंथ है, ठीक है ना। इसलिए कितना पैसा, अगर चार भी हो ना, कितना पैसा चली जाती है वहाँ, जो ग्रंथ ज्यादा पैसा नहीं, 10 रुपया 20 रुपया 25 रुपया, थोड़ी सी बड़ी ग्रंथ हो तो ज्यादा कोई पैसा नहीं है। अगर घर में अगर ये किताब रहेगा, बच्चों को हाथ में पढ़े, आप लोग भी पढ़ो, सबका कल्याण। इसलिए जरूर एक ग्रंथ लेकर के जाना, खुद भी पढ़ो और बच्चों को भी पढ़ाओ, परिवार को पढ़ाओ, जो पढ़ेगा उसका भी शांति और सुख मिलेगा। इसके अलावा आज के जो प्रसाद की व्यवस्था है उसमें सहयोग दिया है हमारे अर्पण मेडिकल हॉल वाले, कल भी उनका नाम था, अगर वो आज आए हैं तो हमारी प्रार्थना है कि आज आरती के लिए वो आगे आए। इसके अलावा हमारी
श्रीमती सुनीता चौहान जी और उनका परिवार, उनका काफ़ी सहयोग है। सपना मैडम, इनका भी इस बार आज के प्रसाद में सहयोग है। श्रीमान सुरेश अवाना जी, रोशनी अवाना जी, इनके परिवार ने आज के प्रसाद की व्यवस्था किया है। और श्रीमान रमेश मिश्रा जी, इन परिवारों ने आज के प्रसाद की व्यवस्था की है। आप सभी लोग तालियां बजा के इनका अभिनंदन करें। ठाकुर जी इनकी घर में शांति और सुख दे, क्योंकि कृष्ण सुदामा दो मुठ चिड़वा दिया कृष्ण को, भगवान उनको त्रिभुवन का राज्य दे देते हैं। इसलिए भगवान ने दुर्जन को मेवा त्यागे साग विदुरु घर का है, बोले सबसे ऊंची भगवान बड़े भाग्यवान व्यक्ति का वस्तु को ग्रहण करते हैं। इसलिए ठाकुर जी इनको इतने, ठाकुर को तो भोग लगेगा, इतने सारे भक्तों को मुंह में अगर एक एक अन्न दाना जाए ना, देखो उनका कितने पुण्य होगा। इसलिए ठाकुर जी उनका आशीर्वाद दे, शांति सुख दे, खूब फलते फूलते रहे। जिन्हों का नाम लिया, जब आरती होगी आप लोगों सामने आकर के ठाकुर जी का आरती उतारना, और मेरे रूम से जाओ तो मेरे रूम से और ले फटो ले आए। उन परिवारों से प्रार्थना है पहले वो आगे आकर आरती करें और फिर महाराज जी से आशीर्वाद देखेंगे, फटो ले जाए। और दो दिन पहले जिन लोगों ने प्रसाद दिया था, आप लोग भी आ करके एक तो फटो ले लें, ठीक है। अभी प्रभु जी एक बड़े सुंदर, और कुछ बोलना है? अभी प्रभु जी एक बड़े सुंदर भजन गाएंगे, सबके सब खड़े हो जाओ और सबके सब कीर्तन में नृत्य करना और आरती प्रसाद लेकर सबके सब जाएंगे। ओ जब सीसाने ने पकड़ाया, ओ जब सीसाने ने पकड़ाया, हो गई मेरी बने बने मेरी बल्ले बल्ले से सावरी।
Thank you.
जिनका नाम लिया है आ जाओ। आ जाओ ऊपर आ जाओ। जिसका नाम लिया गया सुनो बात कर दिया ना फिर ऊपर आ जाता बात करना पकड़ो उसको इधर देखो बाकी में रवि आ जा ले लो उनसे ले लो ले लो उनसे ले लो दूसरा ले देंगे ये और रख दिया। बोले जाओ। ये क्या था?
Holy, 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 Hol